ओके बेटा, लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था सरफेस एनाटॉमी। एफ्रो के स्टूडेंट्स को मैं रिकॉर्डिंग लेक्चर अगेन शेयर कर दूंगी, थोड़ा सा ओवरव्यू भी दे देती हूँ कि सरफेस एनाटॉमी क्या होती है। नहीं बेटा आप देखिए, आवाज क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। ओके बेटा, सरफेस एनाटॉमी बेसिकली क्या है? हमने कहा था एनाटॉमी होता है क्या, जिसमें हम ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स को या स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं। सरफेस का मीन क्या है? सरफेस का मीन ये है कि जो हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर्स हैं। बेटा अगर हम सुपरफिशियल टू डीप मूव करें, सबसे पहले आपको अपनी बॉडी में क्या नजर आ रहा है? स्किन नजर आ रही है। स्किन के नीचे फेशिया, फेशिया के नीचे मसल्स, एंड मसल्स की जो मोस्ट डीपेस्ट हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर है, दैट इज बोन। तो अगर हम अपने स्किन के रिलेशन से जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं उनकी स्टडी करते हैं, दैट इज सरफेस एनाटॉमी। अब हम क्या कहते हैं, हमने हार्ट को लोकेट करना है। अब हम क्या कहते हैं कि हार्ट जो है हमारा लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है, आप उसको लोकेट करते हो। अच्छा, आपने इस रिब से जाना है, इस रिब से सेकंड पे, फिर थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, तो फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर जो हार्ट की एपेक्स जो है वो प्रेजेंट होती है। इसी तरह जैसे लास्ट टाइम मैंने एक एक्टिविटी करवाई थी, मैंने आपको कहा था बैक ऑफ नेक पे हैंड को प्लेस करो तो आपको एक प्रोमिनेंसी फील होती है। वो प्रोमिनेंसी क्या, वो बोन है। वो कौन सी बोन है? वो वर्टिब्राज है। कौन से वर्टिब्राज? सर्वाइकल वर्टिब्राज है। सर्वाइकल आपको पता है 7 वर्टिब्राज होते हैं, तो C7 को आप पल्पेट करते हो। स्किन के रिलेशन से आपने C7 वर्टिब्रा जो बोन थी उसको पल्पेट किया, तो उसके बाद आप C6 तक जाना। 4 तो 1 इंच अबव जाओगे तो C6 है, 1 इंच 4 अबव जाओगे तो C5 है। तो आप जो स्किन के रिलेशन से अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स की स्टडी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सरफेस एनाटॉमी। फिर हमने कहा था ह्यूमन स्केलेटन बेसिकली क्या है, बोन से मिलके बना होता है। 206 जो है ह्यूमन स्केलेटन के अंदर बोन्स होती हैं, उनमें एक्सियल स्केलेटन है, एपेंडिकुलर स्केलेटन है। आप लोगों को रिकॉर्डिंग लेक्चर्स मिल जाएंगे, एफ्रो वालों को आप बेटा उस लेक्चर को सुन लीजिएगा, अगर कुछ चीज समझना है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। फिर हमने देखा था कि स्कल के अंदर कौन कौन सी जो है वो बोन्स होती हैं, अपर लिम में क्या पोर्शन आता है, आपको पता आर्म है सबसे पहले, आर्म के बाद फोर आर्म है, देन हैंड का पोर्शन है। आर्म के अंदर जो बोन होती है वो होती है ह्यूमरस, और फोरआर्म के अंदर जो बोन होती है वो आपकी रेडियस एंड अल्ना, और हैंड के अंदर जो है 27 बोन्स होती हैं, 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स एंड 14 फ्लैंजेस। देन लोअर लिम, लोअर लिम बल्कि आप लोगों को बहुत डिटेल से पढ़ ली, वो लोअर लिम पढ़ी हुई है जो मेडिकल के हैं। लोअर लिम का इस तरह अगेन पोर्शन, सबसे पहले थाई आएगा, थाई के बाद लेग, और लेग के बाद फुट का पोर्शन आता है। थाई के अंदर जो लॉन्गेस्ट बोन है, इसको हम कहते हैं ह्यूमन बॉडी की सबसे जो लॉन्ग बोन है वो फीमर है। फिर इसी तरह लेग के अंदर मूव करते हैं, तो लेग के अंदर जैसे फॉर्म के अंदर 2 बोन्स थे, तो लेग के अंदर भी बोन्स होती है टिबिया एंड फिब्यूला, और फुट के अंदर जो है वो 26 बोन्स होती है, जबकि हैंड के अंदर 27 है। क्यों? क्योंकि 8 कार्पल होती है, लेकिन फुट के अंदर 7 टार्सल बोन्स होती है, 7 टार्सल्स, देन 5 मेटाटार्सल्स, देन 14 जो है वो फ्लेंजेस बोन होती हैं। देन पटेला, जिसको नी कैप बोला जाता है, आपके नी के ऊपर जो एक बोन होती है कैप शेप की, उसको हम बोलते हैं पटेला और नी कैप। ओके, आज हमने स्टार्ट करना है जो आज का हमारा टॉपिक है सरफेस एनाटॉमी में ही इसका पोर्शन जो रह गया रिमेनिंग, वर्टिब्रा कॉलम। वर्टिब्रा कॉलम के जैसे आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा है, एक आपको ये नजर आ रहा है सारा व्यू, वर्टिब्रल कैप आपके जो बैक की जो रीढ़ की हड्डी जिसे बोला जाता है, तो ये बेसिकली रीढ़ की जो हड्डी है, ये सारी जो बोन्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रा कॉलम। ये इन बोन्स को हम बोलते हैं वर्टिब्रास, क्योंकि वो एक कॉलम की फॉर्म में ऊपर से लेके नीचे तक पड़ी होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रा कॉलम। अब आप इस पिक्चर में देखो वर्टिब्रा कॉलम के भी फर्दर आगे क्लासिफिकेशन है, उन वर्टिब्रास के भी फर्दर नेम है। सबसे पहले आपको नजर आ रहा है सर्वाइकल, अब मोस्ट लेफ्ट साइड पे देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है सर्वाइकल वर्टिब्रा, सर्वाइकल के नीचे लिखा हुआ है थोरेसिक वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा के नीचे जो है वो लंबर वर्टिब्रा है, और लंबर वर्टिब्रा के नीचे जो है वह सैक्रम वर्टिब्रा, और सैक्रम के नीचे बिल्कुल जो लास्ट पे टिप पे जो वर्टिब्रा है उन्हें हम बोलते हैं कॉकस वर्टिब्रा। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर या आपकी बॉडी के अंदर टोटल 33 वर्टिब्राज होते हैं। बेसिकली ये वर्टिब्राज क्या है, हमारे पास बोन्स होती हैं, इररेगुलर शेप होती है, इनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं है, इनके डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। जो आपके सर्वाइकल रीजन के अंदर है वो 7 वर्टिब्राज हैं। इन 33 को अगर हम क्लासिफाई करते हैं, हम कहते हैं 33 वर्टिब्राज में सर्वाइकल है नंबर 1, देन थोरेसिक है, देन लंबर रीजन है, लंबर के बाद सैक्रम, और सैक्रम के बाद कॉकस है। जो आपके सर्वाइकल वर्टिब्राज है, जैसे इस पिक्चर में भी आप देखो,
सर्वाइकल जो है वो 7 है, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. देन आपका थोरेसिक स्टार्ट होता है, थोरेसिक कितने वर्टिब्राज है, 12 होते हैं, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, 8, 9, 10, 11, 12. देन आपका लंबर स्टार्ट होता है, और ये सबसे ज्यादा अगर इन वर्टिब्राज को कंपेयर करिए सबसे ज्यादा ब्रॉड है, लार्ज है, और सबसे ज्यादा वर्टिब्राज में वेट भी इन्हीं लंबर वर्टिब्राज पे आता है. और लंबर वर्टिब्राज कितने, L1 से लेके L5 तक, मीन 5 वर्टिब्राज होते हैं, L1, L2, L3, L4, L5. देन आप मेरे लास्ट पे देख रहे हो, एक फ्यूज फॉर्म में एक बोन है जिसे क्या बोला जैसे सैक्रम. आवाज चली जाओ, आवाज नहीं आएगी. ड्यू रहते हैं कि ड्यू आ गया. देन आपका सैक्रम है, सैक्रम में कितने वर्टिब्रा है, अगेन 5, S1, S2, S3, S4, S5, और लास्ट जो टिप है जिसे हम बोलते हैं कॉकस वर्टिब्रा, ये 4 होते हैं. अक्सर मे बी बॉयज ने एक्सपीरियंस किया हो कि अगर खुदा ना आस्ता कोई बाइक से गिरता है या कोई स्टेयर से नीचे गिरा है, तो अगर गिरने से वो रोड पे गिरा या किसी हार्ड सरफेस पे गिरे, तो उनके जो बैक पे जो है पेन स्टार्ट होती है, स्पेशली जब लोग सिटिंग करते हैं, बाइक पे बैठेंगे या चेयर पे बैठते हैं, किसी भी हार्ड सरफेस पे बैठते हैं, तो उनको पेन स्टार्ट होता है आफ्टर ट्रॉमा, कोई भी इंसिडेंट ऐसा अगर हुआ हो. तो बेसिकली वो क्या होता है कि जो आपके कॉकस, ये जिन्हें हम जिसे हम टेल बोन भी बोलते हैं, तो डायरेक्टली प्रेशर जो है इस कॉकस वर्टिब्रा पे जाता है. क्यों? क्योंकि इसके इर्द गिर्द मसल्स नहीं होते, तो डायरेक्टली इस बोन पे स्ट्रेस जाता है, जिसकी वजह से एक डिजीज होती है या बीमारी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉक्सिडानिया. कॉक्सिडानिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो कॉकस के वर्टिब्रा पे स्ट्रेस आता है. फिर एक्सरे करवा कर देखा जाता है कि क्या स्ट्रेस है या कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ. फिर आफ्टर डेथ की प्रिकॉशंस होती है, फिजियोथेरेपी है, मेडिसिन है, फिर उस पेशेंट को ट्रीट किया जाता है. ओके बेटा, हर वर्टिब्रा के दरमियान दो वर्टिब्राज हैं, तो दोनों वर्टिब्रा क्योंकि बोन्स हैं, बोन्स अगर डायरेक्टली एक दूसरे से जब कॉन्टेक्ट में होंगी तो क्या होगा, फ्रिक्शन होगी. तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए अल्लाह पाक ने क्या रखा होता है कि आपके जो वर्टिब्राज हैं, इन वर्टिब्राज के दरमियान कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है. उस कुशन लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इंटर वर्टिब्रल डिस्क, मीन उसको हम डिस्क बोलते हैं. वो जो कुशन है जो दो वर्टिब्राज के दरमियान होता है, उस कुशन को हम क्या बोलते हैं, डिस्क, क्योंकि वो दो वर्टिब्राज के दरमियान है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंटर वर्टिब्रल डिस्क. तो आपके यहाँ पे वर्टिब्राज के दरमियान में क्या प्रेजेंट होगी, डिस्क प्रेजेंट होती है. ओके, नेक्स्ट कंसिस्ट ऑफ 5 वर्टिब्रा, जो आपके लंबर वर्टिब्रा है, ये लार्ज बोन बनाते हैं, सबसे ज्यादा वेट यही पे होता है, ये आपके बैक मसल्स को सपोर्ट करते हैं. लास्ट पे फिर सैक्रल है, सैक्रल 5 बेटा, उसके अंदर वर्टिब्राज आते हैं, लास्ट पे 4 वर्टिब्राज होते हैं. देन आपका स्टार्ट होगा पेल्विक रीजन. पेल्विक रीजन कौन सा होता है, अगर आपको पिक्चर्स में दिखाऊं मैं, ये जो बोन्स आपको शो हो रही हैं, इसको हम बोलते हैं पेल्विक बोन्स. पेल्विक बोन या पेल्विक बोन को हम हिप बोन भी बोलते हैं. अगर याद हो, जब हमने लोअर लिम्ब की बोन्स की थी, तो लोअर लिम्ब की बोन्स के अंदर सबसे पहले हमने कहा था हिप बोन आती है, फिर फीमर आती है, फीमर के बाद जो है लेग की बोन. जैसे ये देखें, ये सबसे पहले आपको नजर आ जहां पे पेल्विस लिखा हुआ है, दोनों साइडों पे ये पेल्विस होगी, राइट और लेफ्ट. तो आपका जो लोअर लिम्ब स्टार्ट होता है पेल्विस से ही स्टार्ट होता है. फिर आप ये भी देखो कि आपकी ये जो पेल्विस है, पेल्विस किसके साथ अटैच है, वर्टिब्रा, बैक पे क्या है, वर्टिब्राज है. और यहाँ पे जो एक ये पियर शेप्ड या ब्रॉड ये जो वर्टिब्राज है, इनको हम क्या बोलते हैं, सैक्रम. जो 5 सैक्रम वर्टिब्रा भी मैंने आपको दिखाया, तो आप देख सकते हो कि आपकी राइट पेल्विस है या लेफ्ट पेल्विस है, बैक से वो किसके साथ अटैच है, आपके वर्टिब्राज के साथ अटैच है, लंबर के साथ अटैच है और सैक्रम के साथ अटैच है. तो अब हमने जो नेक्स्ट एनाटॉमी का पोर्शन पढ़ना है वो क्या है, पेल्विस एनाटॉमी. अब हम उसको देख लेते हैं डिटेल में. ओके, एनाटॉमी ऑफ पेल्विक रीजन, इट इज आल्सो कॉल्ड हिप बोन. जो आपकी पेल्विक बोन है, इन्हें हम हिप बोन भी बोलते हैं या इन्हें हम कॉक्सल बोन भी बोलते हैं. ये कितनी नंबर्स में थी, अभी मैंने आपको दिखाया राइट पेल्विक बोन एंड लेफ्ट पेल्विक बोन, इट मींस ये दो बोन्स होती हैं. तो इनको हम हिप बोन भी बोलते हैं, इनको हम पेल्विक बोन भी बोलते हैं, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कॉक्सल बोन. ये इसको हम ओसा बोन भी बोलते हैं. देन बेटा, ये आपकी जो पेल्विक बोन है, फर्दर 3 पार्ट से मिलके बनी हुई है. याद रखिएगा, आपकी जो हिप बोन है, ये पेल्विक बोन है, ये कॉक्सल बोन है,
फर्दर इस बोन के अंदर थ्री बोन्स आती हैं। नंबर वन आपको ये नजर आ रहा है लेफ्ट साइड पे जो लार्ज ब्रॉड शेप ये सारी इस बोन का पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलियम, ILLIUM, इलियम। इलियम के बाद आप नीचे की तरफ आते हो तो पोस्टीरियर इनफीरियरली जो बोन पड़ी हुई है वो कौन सी है, ईशियम, ISCHIUM, ईशियम। ईशियम के बाद अगेन आप देखते हो इनफीरियरली बट इंटीरियरली आगे वाली साइड पे अगेन एक बोन है जिसे क्या बोला जाता है, प्यूबिस। यहाँ पे उसके पार्ट्स का जिक्र किया हुआ है, प्यूबिक क्रस्ट, प्यूबिस सिंफिसिस, प्यूबिस, बट जो बोन का नेम है वो क्या है, प्यूबिस। इट्स मेन आपकी हिप बोन, कॉक्सल बोन या पेल्विक बोन। इसके अंदर कितनी बोन्स आती है, थ्री बोन्स आती है, नंबर वन इलियम, नंबर टू ईशियम एंड नंबर थ्री प्यूबिस। अक्सर आप लोग खड़े होते हो ना तो खड़े आप कमर पे हैंड को रखते हो, अक्सर आप अगर अभी भी आप खड़े होके अपनी कमर पे हाथ रखते हो, जैसे अक्सर मेल हैंड रखते हैं अपनी कमर पे, तो बेसिकली उस वक्त उन्होंने बोन की किस पोर्शन पे हैंड रखा होता है, इलियम। आपकी इलियम आगे से लेके पीछे तक इस तरह जो मूव कर ये सारा बोनी पार्ट, इसको हम बोलते हैं इलियम। अब थोड़ा सा इसको रीड कर लेते हैं, ओके दिस, इसके अंदर थ्री बोन्स आएंगे, इलियम, ईशियम एंड प्यूबिस। In adults, these three bones are finally fused to form a single bone that is called hip bone, pelvic bone or coxal bone. In the back side, these two bones are connected to sacrum. जैसे इस पिक्चर में बच्चे आप लोग देख सकते हो, सेंटर में आपको क्या नजर आ रहा है, सेक्रम, और सेक्रम क्या है, वर्टिब्रा कॉलम का पार्ट है। वर्टिब्रा कॉलम को हमने डिवाइड किया था फाइव पार्ट में, सबसे ऊपर सर्वाइकल, देन थोरेसिक, देन लंबर, फिर सेक्रम और फिर कॉकस। तो आपकी जो हिप बोन है पीछे से किसके साथ अटैच होती है, सेक्रम के साथ अटैच होती है, और फ्रंट से क्या होता है कि जो आपकी दोनों आगे वाली साइड पे हिप बोन की जो तीसरी बोन थी उसका नाम था प्यूबिस, तो राइट साइड की प्यूबिस और लेफ्ट साइड की प्यूबिस आपस में फ्यूज होती है, और फ्यूज करके, क्योंकि हमने कहा था जॉइंट क्या, व्हाट इज जॉइंट, जहां पे दो ये दो से ज्यादा बोन्स आपस में मिलती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट। जैसे मैंने कहा था जोड़, तारे लगी होती हैं तो तारों को आपस में क्या किया, जोड़ा जाता है, कनेक्शन बनाया जाता है। इसी तरह ह्यूमन बॉडी के अंदर जो बोन्स हैं, तो जब एक बोन का पार्ट दूसरी बोन के पार्ट के साथ जब मिलता है, कनेक्शन बनाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट बोलते हैं। तो दोनों साइडों की राइट और लेफ्ट साइड की प्यूबिस बोन्स मिलकर क्या बनाती है, सिंफिसिस, प्यूबिस जॉइंट बनाती है। तो बैक से आपकी दोनों हिप बोन्स कैसे कनेक्ट होती है, थ्रू सेक्रम, और फ्रंट से कैसे होती है कि दोनों प्यूबिस बोन आपस में फ्यूज करती हैं। देन आपके आपको जो पूरी स्ट्रक्चर है मेल एंड फीमेल, बेटा इसमें भी डिफरेंस होता है। बोनी का अगर हम देखा जाए, बोनी क्या डिफरेंस होगा मेल या फीमेल में, या हम क्योंकि पेल्विस को डिस्कस कर रहे हैं, तो फीमेल के अंदर जो पेल्विस होती है वो ब्रॉड होती है, जबकि मेल के अंदर जो पेल्विस होती है वो क्या होती है, नैरो होती है। तो यहाँ पे इसी बात को डिस्कस किया जा रहा है, इन मैन इलियक इलियम और इलियक क्रस्ट इज वेरी कम्पैक्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज नैरो, क्योंकि उनमें क्या होती है, नैरो होती है और स्मॉल होती है। इन वुमेन इलियक इट इज डेलिकेटेड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज वाइडर। एक्चुअली जो प्यूबिक आर्च शो हो रही है नीचे, आप लोग इस पिक्चर में देखो, दोनों प्यूबिस के दरमियान एक आर्च बन रही है, एक एंगल बन रहा है। मेल के अंदर क्योंकि जो पेल्विस है वो नैरो है, स्मॉलर है, तो उनके दरमियान जो एंगल बनता है दोनों प्यूबिस बोन के दरमियान, वो एंगल क्या होता है, नैरो होता है। जबकि फीमेल की जो पेल्विस होती है ब्रॉड होती है, तो उनके दरमियान जो दोनों प्यूबिक बोन के दरमियान ये जो आर्च बनती है या ये जो एंगल बनता है ये लार्ज होता है एज कम्पेयर टू मेल्स। तो ये इन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा सा इन्होंने डिस्कस किया हुआ है। देन अगेन इस पिक्चर में बहुत अच्छे से समराइज किया हुआ है कि हिप बोन के अंदर थ्री बोन्स आती है, सबसे ऊपर ये जो बोन है इसे हम बोलते हैं इलियम, और नीचे पोस्टीरियर इनफीरियर ईशियम, और फ्रंट पे यहाँ पे इन्होंने प्यूबिक बोन जहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं इंटीरियर इनफीरियरली। तो इंटीरियर इनफीरियरली दोनों साइडों पर ये जो बोन है हम बोलते हैं प्यूबिस, और पीछे से ये दोनों बोन्स किसके साथ अटैच होती है, सेक्रम के साथ, और आगे से कैसे कनेक्ट होती है कि एक प्यूबिक बोन दूसरी प्यूबिक बोन के साथ अटैच होकर जो जॉइंट बनाती है उसे हम बोलते हैं सिंफिसिस प्यूबिस। देन हम स्टार्ट करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, फिर हम उसके बाद रेस्पिरेटरी, और रेस्पिरेटरी के बाद जो है हम स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। मैंने आपको स्टार्ट के लेक्चर्स में बताया कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 11 सिस्टम्स होते हैं, और हर सिस्टम का कोई ना कोई पर्पस होता है। जैसे आपका नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम का पर्पस क्या है, वो आपकी फुल बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। इस वक्त अगर मैं बोल रही हूँ या आप लोग कोई मूवमेंट कर रहे हो, साथ कोई काम कर रहे हो,
तो वो कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका जो है वो ब्रेन उसको कंट्रोल कर रहा है। इसी तरह आपकी बॉडी को क्या चाहिए? ब्लड चाहिए। तो ब्लड किसके थ्रू आता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसके थ्रू आएगी? रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू आती है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम से ऑक्सीजन आपके ब्लड के अंदर ऐड होती है। वो कैसे ऐड होती है? वो आपके जो है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के थ्रू ऐड होती है। तो आज हम पहले कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, देन हम रेस्पिरेटरी और फिर हम डाइजेस्टिव सिस्टम पे मूव करेंगे। एनाटॉमी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियो क्या नेम रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्डिक मीन हार्ट, वैस्कुलर मीन वेसल्स। अगर हम इस सिस्टम के कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये सिस्टम कौन से कंपोनेंट, ये कौन सी चीजें मिलकर ये सिस्टम बना रहे हैं। तो आप इसके नेम से देख लें, सी वी एस, सी मीन कार्डियो, कार्डियो मीन हार्ट होगा इसके अंदर नंबर वन। वेस्कुलर मीन इसके अंदर क्या होंगे? वेसल्स। कुछ जो हमारे पास मेडिकल स्टूडेंट्स नहीं है उनको समझाने के लिए मैं इसलिए इस तरह कह सकती हूँ कि जैसे घर के अंदर पाइप्स होते हैं ना, उन पाइप्स का पर्पस क्या होता है? उन्होंने पानी को लेके जाना है। इसी तरह ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, आपके हेड, नेक, आपके फेस, अपर लिम, लोअर लिम, फुल बॉडी तक उस ब्लड ने जाना है। वो ब्लड किसके थ्रू जाएगा? अगेन आपकी बॉडी के अंदर वो जो पाइप्स हैं, ये जो ब्लड वेसल्स हैं, उनको हम बोलते हैं वेस्कुलर सिस्टम। सो फॉलोइंग आर द मेजर ऑर्गन्स फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। नंबर वन बच्चे क्या होगा? हार्ट। हार्ट का काम क्या होता है? उसने ब्लड को पंप करना है। जैसे एक मशीन होती है ना, या आप कहते हो मोटर होती है घर में, मोटर को जैसे आप ऑन करते हो, ऑन करने के बाद पाइप्स के थ्रू वो डिफरेंट एरियाज में जाके पानी सप्लाई करता है, वॉशरूम में है, किचन में, जहां पे वो पानी जाएगा। इसी तरह ह्यूमन बॉडी के अंदर हार्ट एक मोटर है और उसने आगे पाइप्स के थ्रू ब्लड जो है वो पूरी बॉडी को देना है। सबसे पहले जो लार्ज पाइप होता है, ये लार्ज आर्टरी होती है जो हार्ट से डायरेक्टली निकलती है, उसको हम बोलते हैं एओर्टा। दिस वन इज द लार्जेस्ट ब्लड वेसल ऑफ द बॉडी और आर्टरी ऑफ द बॉडी। एओर्टा के बाद जो फर्दर इससे ब्रांचेस निकलती हैं, उन ब्रांचेस को हम बोलते हैं आर्टरीज। या इससे सब नैरो होती जाएगी, जैसे एक मेन पाइप होता है, मेन पाइप से आगे छोटे छोटे पाइप्स निकलते हैं, ऐसे आप इसको एग्जांपल ले सकते हो। तो हार्ट से जो डायरेक्टली लार्ज आर्टरी निकलती है, ये ब्लड वेसल निकलती है, उसको हम बोलते हैं एओर्टा। एओर्टा से फर्दर जो छोटी ब्रांचेस निकलती है उनको हम बोलते हैं आर्टरीज। फिर आर्टरी से भी फर्दर छोटी ये नैरो पाइप्स निकलते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? आर्ट्रियोल्स। फिर हमारे पास आती है वेन्स, वेन्यूल्स और कैपिलरीज। बट एक्चुअली में ये क्या वेन्स, वेन्यूल्स या आर्टरीज, क्या इनका मीन है? अब देखो आपका हार्ट है, हार्ट का काम क्या है? पंपिंग ऑफ ब्लड। और ब्लड के अंदर क्या चीज है? ऑक्सीजन। पूरी बॉडी को क्या चाहिए? आपकी ऑक्सीजन चाहिए। जब आपकी बॉडी के अंदर जो आपके मसल्स हैं, बोन्स हैं, स्किन है, जब वो ऑक्सीजन को यूज कर लेते हैं तो क्या बनाते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट बनाते हैं। उस वेस्ट प्रोडक्ट को हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम इस ब्लड को क्लासिफाई कर देते हैं। अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है या ऑक्सीजन रिच ब्लड है तो उस ब्लड को हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन ऑन द अदर साइड जब आपकी बॉडी ऑक्सीजन को यूज कर लेती है और उसके बाद जो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड बच जाता है उस ब्लड को हम बोलते हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होगी, और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम होती है उसको हम बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड। तो जब आपके हार्ट से ब्लड बॉडी की तरफ जाना है तो किसके थ्रू जाएगा? आर्टरीज के थ्रू। और आर्टरीज के अंदर कौन सा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन जब आपकी बॉडी ने ब्लड यूज कर लिया, अब जाहिर है वो ब्लड कहीं ना कहीं तो जाएगा ना, अब उसने दोबारा साफ होना है, तो वो किसके थ्रू जाएगा? वेन्स के थ्रू। अब वो वेन्स के थ्रू आपकी बॉडी से वो हार्ट की तरफ आएगा। अगेन मैं इसको रिपीट कर रही हूँ, आर्टरीज क्या करती हैं? आपके ब्लड को हार्ट से आपकी बॉडी की तरफ लेके जाती हैं। वो कौन है? आर्टरीज। लेकिन जब आपकी बॉडी ने ब्लड यूज कर लिया, ऑक्सीजन यूज कर ली, तो दोबारा उस ब्लड को जब हार्ट के पास लेके आना है तो वो कौन लेके आता है? कौन से ब्लड वेसल या पाइप्स लेके आती है? उन्हें हम बोलते हैं वेन्स। तो इट्स मीन आर्टरीज और वेन्स साथ साथ चल रही होती है। आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड। फिर एक पॉइंट होता है जहां पे आर्टरीज और वेन्स आपस में कम्युनिकेट करती हैं। आर्टरीज और वेन्स जहां पे आपस में कम्युनिकेट करती हैं, उन कम्युनिकेटिंग ब्लड वेसल्स को क्या बोलते हैं? कैपिलरीज।
आई होप ये कंपोनेंट क्लियर हो चुके होंगे. हार्ट क्या है? पंपिंग ऑर्गन है. एओर्टा लार्ज आर्टरी है, फिर जिसे हम एओर्टा बोलते हैं. एओर्टा से आगे फर्दर ब्रांचेस आर्टरीज और आर्टियोज हैं, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से आपकी बॉडी की तरफ लेके जाती हैं. और जो बॉडी से दोबारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ आना, किसके थ्रू आना? वीएन्स, वेन्यूज और कैपिलरीज. क्या वो ब्लड वेसल पॉइंट है जहाँ पे आर्टियोज और वेन्यूज का जो ब्लड है आपस में एक्सचेंज होता है. जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, हार्ट की लोकेशन कहाँ होती है? आपके थ्रेसिक कैविटी में, आपके रिब्स के बिलो होता है, ऑलमोस्ट फोर्थ फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर. या आप इस पिक्चर में देखो, सेकेंड रिब से लेके फिफ्थ रिब तक, ये जो सारा आपको ये जो ऑर्गन नजर आ रहा है, ये क्या है आपके पास? हार्ट है. अगर हार्ट को डिफाइन करना, व्हाट इज हार्ट? हार्ट इज अ कॉनिकल हॉलो मस्कुलर ऑर्गन. बेसिकली आपका हार्ट किससे मिलकर बना? मसल से मिलकर बना हुआ है. इसके अंदर कोई बोन नहीं होती. इट्स लाइक अ क्लोज फिट. जैसे आप अपनी मुट्ठी बनाते हो ना, मुट्ठी बना के आपका थंब जो बाहर की तरफ निकल रहा है, तो इस शेप का हार्ट आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है. इट्स वेट अबाउट 300 ग्राम इन मेल एंड 250 ग्राम इन फीमेल. तो हमें तो उधर साइड पता है कर दो. अच्छा बेटा, बहुत से लोगों का कंसेप्ट क्या होता है कि हार्ट जो सिर्फ कम्प्लीटली लेफ्ट साइड पे, ऐसा नहीं है. अब आपका हार्ट कहाँ प्रेजेंट है? आप देखो सेंटर में ये आपको एक बोन नजर आ रही है, यहाँ पे लेबल भी हुई, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टर्नम. स्टर्नम के साथ साइडों पे ये जो कर्व, बच्चों हमने अभी तक ये स्टार्ट किया हार्ट का. सबसे पहले तो हमने कहा हार्ट क्या? हमारे पास मस्कुलर ऑर्गन है. मीन जब आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वो प्रेशर को जनरेट करते हैं, जिस प्रेशर की वजह से आपका ब्लड आपके हार्ट से आपकी बॉडी की तरफ जाता है. और कौन से वो पाइप्स या ब्लड वेसल लेके जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं आर्टरीज. ओके, और मैं आपको ये बता रही थी, अब लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपका जो हार्ट है ना, वो कम्प्लीटली लेफ्ट साइड पे है. ये सेंटर वाली जो बोन है, से हमने स्टर्नम कहा था. और स्टर्नम के साथ ये जो पसलियां जिसे बोला जाता है, या रिब्स बोला जाता है, आपके 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं. राइट साइड पे भी 12 रिब्स होते हैं और लेफ्ट साइड पे भी 12 रिब्स. इट्स मीन टोटल 24 है, या 12 पेयर्स ऑफ रिब्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं. और उनके पीछे क्या? हार्ट है. अब लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट ये होता है कि हार्ट जो है ना, वो कम्प्लीटली लेफ्ट साइड पे है. ऐसा नहीं है. आपका जो हार्ट है, वो आप स्टर्नम जैसे इस बोन को आप सेंटर में देख रहे हो, इस आपके हार्ट का 1/3 पोर्शन आपके राइट साइड पे होता है. फिर थोड़ा सा इसका पोर्शन स्टर्नम इस बोन के पीछे होता है, और रिमेनिंग जो 2/3 है, 2/3 पोर्शन जो है वो आपके लेफ्ट साइड पे होता है. ऐसा नहीं कम्प्लीटली लेफ्ट साइड पे है. आपका इस हार्ट का 25% पोर्शन जो है, या 1/3 पोर्शन जो है, वो राइट साइड पे होता है. तो यही बता रहे हैं, इट इंक्लाइंस मोर टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. किसका 75% पोर्शन कहाँ है? लेफ्ट साइड पे है. द हार्ट लाइज इन द थोरैक्स बिहाइंड द स्टर्नम. सेंटर में ये जो बोन होती है, इसको हम बोलते हैं स्टर्नम. एंड बिटवीन टू लंग्स, क्योंकि आपको पता है दोनों साइडों पे स्टर्नम के, एक राइट साइड पे राइट लंग होता है और स्टर्नम के लेफ्ट साइड पे लेफ्ट लंग होता है. देन बच्चे कवरिंग ऑफ हार्ट, जैसे इसकी मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे आप एग को बॉइल करते हो, तो जब एग को बॉईल किया जाता है, तो बॉईल करने के बाद उसके ऊपर जो व्हाइट कलर की कवरिंग या मेम्ब्रेन आती है, वो बेसिकली क्या? कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं. तो इसी तरह अल्लाह पाक ने जितने भी आपके बॉडी के अंदर विजराज हैं, ऑर्गन्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए क्या रखा होता है? देखिए ऊपर अभी मैंने आपको दिखाया, बोन्स पड़ी हुई है. तो बोन्स से आपके विजराज डैमेज हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने क्या सिस्टम रखा है? प्रोटेक्शन के लिए कवरिंग्स रखी हुई है. आपके हार्ट है, आपके लंग्स हैं, आपके एब्डोमेन के विसराज हैं, आपके नर्वस सिस्टम के अंदर जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होती है? मेम्ब्रेन्स होती हैं. इसी तरह बच्चे, जो आपके हार्ट को मेम्ब्रेन कवर करती है, उसे हम क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियम. क्योंकि हार्ट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कार्डिक, तो इसकी कवरिंग जो होगी, जो आउटर साइड की होगी, उसके लिए हम बोलते हैं पेरी. और हार्ट के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? कार्डियम. पेरिकार्डियम बेटा क्या होता है? ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है. अभी मैंने आपको बताया कवरिंग किससे क्या होती है, जिसे हम मेम्ब्रेन बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज बोलते हैं.
तो हार्ट के अंदर वो जो कवरिंग होगी या मेम्ब्रेन होगी उसे हम क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियम। अब इस पेरिकार्डियम बेसिकली बच्चे क्या, अगर यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर मिले, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा यहाँ पे दी नहीं हुई इस तरह की कोई पिक्चर, चलिए मैं नेक्स्ट टाइम आपको फिर लेक्चर में दिखा दूंगी। बेटा क्या होता है कि आपका हार्ट जो है ना, उसको जो मेम्ब्रेन सराउंड करती है, उसको जो आउटर साइड से, वो कौन सी है आपकी, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम बेटा क्या होता है, इसके अंदर दो लेयर्स होती हैं, एक होती है हमारे पास विजरल लेयर और एक होती है पैरिटल लेयर। ये नेक्स्ट टाइम आपने मुझे रिमाइंडर देना, मैं आपको ये गूगल से पिक्चर सर्च करके दिखाऊंगी। दो लेयर्स आती है, नंबर वन विजरल एंड नंबर टू पैरिटल। विजरल लेयर नेम ही रिप्रेजेंट कर रहा है वो मेम्ब्रेन जो डायरेक्टली किसको सराउंड कर रही, विजरा को। और आपकी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर कौन सा विजरा है, आपका सिर्फ हार्ट ही प्रेजेंट है। तो जो डायरेक्टली हार्ट को मेम्ब्रेन सराउंड करेगी उसे हम क्या बोलेंगे, विजरल। और जो उस विजरल के बाहर एक और मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पैराइटल। तो ये जो आपकी पैराइटल और विजरल है, ये दोनों लेयर्स मिलके क्या बनाती हैं, पेरिकार्डियम बनाती हैं। अगेन पेरिकार्डियम के अंदर कितनी लेयर्स होती है, टू लेयर्स होती है, जो डायरेक्ट आपके हार्ट को मेम्ब्रेन सराउंड करती है उसे हम बोलेंगे विजरल। और जो उस विजरल के बाहर मेम्ब्रेन सराउंड करेगी उसे हम क्या बोलेंगे, पैराइटल। तो अब आप देखो विजरल और पैराइटल के दरमियान एक स्पेस बन गई है जिसे हम क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियल स्पेस। क्योंकि इस कवरिंग को हमने क्या बोला, पेरिकार्डियम। तो इसके दरमियान जो स्पेस बनेगी उसे क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियल स्पेस। जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है, फ्लूड होता है। उस फ्लूड का पर्पस क्या होता है कि उसने, अब जब आप हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है तो उसके ऊपर रिब्स पड़ी हुई है, पीछे वर्टिब्रास पड़े हुए हैं, तो वहां पे बोन्स लगे हैं, वो डैमेज ना हो, कोई फ्रिक्शन ना हो, तो वो अंदर फ्लूड होता है। वो फ्लूड कुशन की तरह एक्ट करता है, वो बाहर साइड से जितनी भी फोर्सेस आ रही है उनको अंदर विजराज की तरफ ट्रांसफर नहीं होने देता। तो नंबर वन जो हार्ट की कवरिंग थी उसका हमने क्या बोला, पेरिकार्डियम। ये बच्चे पेरिकार्डियम के फर्दर बाहर एक और कवरिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिकार्डियम। एपी जहां भी EPI, एपी वर्ड आ जाए आपने याद रखना, आउटर मोस्ट, तो एपिकार्डियम होगा। फिर बेटा एपिकार्डियम और पेरिकार्डियम के दरमियान या मिडल में एक लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम। देखो मायो का नेम ही रिप्रेजेंट है, मायो मीन मसल्स। तो हमने अभी बताया कि हार्ट क्या है, हार्ट एक कॉनिकल शेप का मस्कुलर ऑर्गन है, मीन हार्ट के अंदर है ही सिर्फ मसल्स। आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर तीन तरह के मसल्स होते हैं, एक मसल जिन्हें हम बोलते हैं स्केलेटन मसल्स, नंबर टू हार्ट मसल्स या कार्डिक मसल्स, तीसरे मसल जो होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्मूथ मसल्स। स्केलेटन मसल्स नेम प्रेजेंट कर रहे जो आपकी पूरी बॉडी के अंदर, आपके आर्म, फोर आर्म, हैंड, लेग, थाई, फुट, जो स्केलेटन के ऊपर सारे मसल्स हैं ना उन्हें हम बोलेंगे स्केलेटन मसल्स, जो आपके कंट्रोल में। आप, आपका दिल चाह रहा है तो आप ग्लास को पकड़ोगे तो आप अपनी मर्जी से अपने हाथ को कॉन्ट्रैक्ट, हाथ के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करो। आप मोबाइल पकड़ना चाह रहे हो आपका ब्रेन को मार देगा, अगर आप चाह रहे हैं तो आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, आप मोबाइल को पकड़ोगे। लेकिन हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड पूरी बॉडी के अंदर दे रहा है, आपके कंट्रोल में नहीं है आपका हार्ट, वो ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा है। तो हार्ट के अंदर जो मसल्स होते हैं हम बोलते हैं कार्डिक मसल्स, और ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते। इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं इनवॉलंटरी। जो मसल्स हमारे कंट्रोल में, जैसे स्केलेटन मसल्स कहा मैंने, तो वो हमारे कंट्रोल में, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं वॉलंटरी। लेकिन जो मसल्स का एक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं होता उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं इनवॉलंटरी, मीन वो ऑटोमेटिकली ब्रेन से उनकी कमांड आती है, वो खुद ही फंक्शन परफॉर्म करे, वो हमारे अख्तियार में नहीं है। तो नंबर वन स्केल्टन मसल्स थे, नंबर टू कार्डिक मसल्स, तो तीसरे कौन से थे, स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स बच्चे आपके कहाँ होते हैं, जितने भी विजराज हैं, स्टमिक है, लीवर है, किडनी है, पेंक्रियाज है, आपका लंग्स हैं, या आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, इनके अंदर जो मसल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्मूथ मसल्स। और वो अगेन हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो भी ऑटोमेटिकली फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो इसलिए भी हम उन्हें क्या बोलते हैं, इनका एक्शन भी इनवॉलंटरी होता है। अगर आप लोगों में किसी ने फ्रॉग की डाइसेक्शन की हो कभी FSC में, तो
तो आपने क्या किया, जैसे फ्रॉग के या मेंढक के आप दिल को बाहर निकालते हो, हार्ट को बाहर निकालते हो, आप देखते हो वो थोड़ी देर के लिए वो स्टिल कॉन्ट्रैक्ट कर होता है, इवन वो बॉडी से अलग हो चुका है लेकिन वो पंप कर होता है, वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रही होती है। क्यों? क्योंकि उसका ताल्लुक ब्रेन के साथ साथ उसका ऑटोमेटिक फंक्शन था, वो आपके कंट्रोल में नहीं था, वो हार्ट का अपना एक सिस्टम होता है। अगर इस चैप्टर में आपकी डिटेल में रिक्वायर्ड हुआ तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसको बोला जाता है दिल की तार। तो मतलब दिल का ये जो हार्ट है इसका एक अपना सिस्टम होता है, ऑटोमेटिकली वो कंट्रोल होता है, उस वक्त वो आपके ब्रेन के कंट्रोल में नहीं है। तो इसलिए बेशक वो ब्रेन से अलग होके, बॉडी से अलग होके बाहर पड़ा है, लेकिन वो स्टिल जो है फ्यू सेकंड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है। एनीवेज आपके बेटा हार्ट की तीन कवरिंग है, पेरिकार्डियम, देन एपिकार्डियम और मायोकार्डियम, ये कौन सी लेयर होगी, सारे मसल्स होते हैं। मिडिल जो मोस्ट लेयर है वो कौन सी है, मसल्स के, जिसे हम क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम बोलते हैं। और जो फिर अगेन इनर मोस्ट है, इनर मोस्ट लेयर को हम बोलते हैं एंडो, एंडो का मीनिंग क्या, इनर, एंडोकार्डियम। देन बच्चे हार्ट के चार चैम्बर्स होते हैं, एक दिल के अंदर जो रूम्स हैं या चैम्बर्स हैं वो कितने होते हैं, फोर। आप है हार्ट को ऐसे देख लो, उसकी एक राइट साइड है, जैसे इस पिक्चर में आप देखो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, जो ब्लू कलर की सारी शो हो रही है, ये हार्ट की एक राइट साइड है और दूसरी इसकी लेफ्ट साइड है। राइट साइड पे भी दो चैम्बर्स होंगे और लेफ्ट साइड पे भी दो चैम्बर्स होते हैं। बेटा सबसे पहले जो ऊपर चैम्बर आता है राइट साइड पे, उसको हम बोलेंगे राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के नीचे, राइट साइड पे जो चैम्बर होगा एट्रियम के नीचे, उसे हम बोलेंगे राइट वेंट्रिकल। तो राइट साइड पे क्या आ गया, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। इसी तरह आप लेफ्ट साइड पे मूव करते हो, लेफ्ट साइड पे ऊपर क्या आएगा, लेफ्ट एट्रियम, और नीचे क्या आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आपके हार्ट के अंदर चार चैम्बर्स थे, कितने एट्रिया हुए, ये कितने एट्रियम हुए, दो एट्रियम और दो वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। और वेंट्रिकल्स पे कितने, दो वेंट्रिकल्स हैं, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। चैम्बर्स ऑफ हार्ट कितने हैं, देयर आर फोर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, टू एट्रिया एंड टू वेंट्रिकल्स। राइट साइड पे भी एट्रिया होगा और लेफ्ट साइड पे, इस तरह टू वेंट्रिकल्स है, जो राइट साइड पे भी वेंट्रिकल होगा और लेफ्ट साइड पे भी होगा। देन बच्चे देखें, अब आपके हार्ट के अंदर फोर रूम्स हैं या फोर चैम्बर, अब इसको ऐसे एग्जाम्पल ले लो, आपका घर है, घर के अंदर फोर रूम्स हैं, रूम्स राइट साइड पे, दो रूम्स जो है वो लेफ्ट साइड पे हैं। तो आपने एक रूम से जब दूसरे रूम तक जाना, तो सेंटर में कोई ना कोई पोर्शन तो होता है जहां से आप चल के दूसरे रूम तक जाते हो। तो बच्चे इसी तरह आपकी बॉडी से जो ब्लड, सॉरी आपके हार्ट से जो ब्लड एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जाना है, तो उसका भी कोई ना कोई रास्ता ही होगा। वो किसके थ्रू जाता है, आपके बॉडी के या आपके हार्ट के अंदर होते हैं वॉल्व। तो आपके चैम्बर्स कितने थे, फोर चैम्बर्स थे। आपके वॉल्स भी कितने होंगे, फोर वॉल्स होते हैं। अच्छा, जैसे इस पिक्चर में आप देखें, राइट साइड पे हार्ट का पोर्शन है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट साइड पे हार्ट का पोर्शन है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इट्स मीन जब आपका ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आना है, तो इसके दरमियान भी कोई वाल्व होना चाहिए, चाहे वो राइट साइड है चाहे वो लेफ्ट साइड है। तो बच्चे जो राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है, इसके दरमियान जो वाल्व होगा, उस वाल्व को हम बोलते हैं ट्राइकब्स वाल्व, जैसे इस पिक्चर में भी आपको नजर आ रहा है। तो आपका राइट एट्रियम से ब्लड जब राइट वेंट्रिकल एक रूम से दूसरे रूम में जाएगा, तो उसके दरमियान जो वाल्व होगा जो उसको कंट्रोल करेगा, उसको हम बोलेंगे ट्राइकेप्स वाल्व। इसी तरह आपका ब्लड जब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा एक रूम से दूसरे रूम में, तो अगेन इसमें वाल्व होगा, इसके दरमियान जो वाल्व होता है इसको हम बोलते हैं मिट्रल, MITRAL, या इसका एक दूसरा नाम है जिसको हम बोलते हैं बाइकेप्स। जो राइट साइड पे वॉल्व था उसका नाम, जो एट्रिया वेंट्रिकल के दरमियान था, उसका नाम है ट्राइकप्स, और जो लेफ्ट साइड पे एट्रिया वेंट्रिकल के दरमियान वॉल्व है, उसको हम बोलते हैं बाइकप्स और मिट्रल वॉल्व। अब बच्चे क्या होता है, आपके हार्ट में तो ब्लड आया, लेकिन आपको इस चीज का बहुत अच्छे से पता है कि आपका ब्लड कहाँ पे जाके साफ होता है, आपके लंग्स के अंदर जाके, फेफड़ों के अंदर जाके साफ होता है। अगर आपने किसी एक हेल्दी इंडिविजुअल के फेफड़े या लंग्स देखे, वो क्या होते हैं, रेडिश पिंकिश कलर के होते हैं, लेकिन जो लोग स्मोकर्स होते हैं उनके क्या होते हैं, ब्लैक कलर के होने लग पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर फिर ऑक्सीजन का प्रोसीजर ही नहीं चल रहा।
तो बच्चे आपके हार्ट से ब्लड जो है वो लंग्स के पास जाता है, वहां जाके साफ होता है, और फिर दोबारा वहां से साफ होने के बाद दोबारा आपके हार्ट के पास आता है, और फिर हार्ट से आपकी बॉडी की तरफ जाता है। अगेन मैं बताऊं छोटी सी एक स्टोरी कि सबसे पहले आपकी बॉडी से ब्लड कहाँ आना है, हार्ट के पास। हार्ट से कहाँ जाना है, आपके लंग्स के पास, वहां जाके साफ होना है। लंग से जब साफ हो गया तो दोबारा ब्लड किसके पास आना है, हार्ट के पास आना है, और हार्ट से फिर ब्लड कहाँ जाना है, आपकी बॉडी की तरफ जाना है। तो इट्स मीन आपके जब हार्ट से लंग्स की तरफ ब्लड जाना है तो उनके दरमियान भी कोई वॉल्व होना चाहिए। तो जो हार्ट से ब्लड की तरफ ब्लड लेके जाएगा उसके दरमियान जो वॉल्व होगा उसे हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वॉल्व, क्योंकि हम लंग्स के लिए पल्मोनरी का वर्ड भी यूज करते हैं। तो वो जो वाल्व होंगे ना हम बोलेंगे पल्मोनरी वाल्व। अब लंग्स से दोबारा फिर उसने किसके पास आना है, हार्ट के पास आना है, जब ब्लड साफ हो चुका है। हार्ट से आने के बाद उसने किसके पास जाना है, बॉडी के पास जाना है। वो हमने कहा था एओर्टा, लार्ज आर्टरी है जो डायरेक्ट हार्ट से निकलती है। तो इसी तरह एओर्टा और हार्ट के दरमियान अगेन एक वाल्व होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एओर्टिक वाल्व। तो बच्चे आपकी बॉडी के अंदर चार वाल्व होंगे। नंबर वन ट्राइकप्स वॉल जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के दरमियान होगा, और जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान वॉल्व होगा उसे हम क्या बोलेंगे, मिट्रल वॉल्व। फिर हमने कहा एक्चुअली क्या होता है, राइट एट्रियम से ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड साफ होने के लिए किसके पास जाता है, आपके लंग के पास, और वो किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी वॉल्व। जैसे इस पिक्चर में आपको शो रहा है ब्लू कलर का ब्लड, ये शो कर रहा है कि ये सारा गंदा या डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो पल्मोनरी वाल्व के थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वो किसके पास जाता है, सॉरी पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू जाता है आपके लंग्स के पास, लंग्स उसको क्लियर करते हैं, और फिर दोबारा वो आपके हार्ट के लेफ्ट साइड पे आता है लेफ्ट एटीएम में। लेफ्ट एटीएम से आपका मिट्रल वाल्व या बाइकप्स वाल्व ओपन होता है, फिर ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड ने कहाँ जाना है, आपकी बॉडी में जाना है। तो यहाँ से वो एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में जाता है ना, तो एओर्टा और आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल्व होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एओर्टिक वाल्व। तो चार वॉल्स यहाँ पे बच्चे डिस्कस किए हुए। नंबर वन जो आपके एट्रिया वेंट्रिकल के दरमियान थे वो कौन से थे, ट्राइकप्स और बाइकप्स वॉल्व। एट्रिया वेंट्रिकल वॉल्स हैं ट्राइकप्स वॉल्व दैट इज प्रेजेंट बिटवीन राइट एटीएम एंड राइट वेंट्रिकल। फिर बाइकप्स वॉल्व है जो किसके दरमियान प्रेजेंट था, जिसको हमने मिट्रल वॉल्व भी कहा, प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एटीएम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर दो वॉल्स हमारे पास सेमी ल्यूनर वॉल्स है, वो कौन से थे, पल्मोनरी एंड एओर्टिक। पल्मोनरी किसके दरमियान पर प्रेजेंट बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, एओर्टिक वॉल किसके अंदर प्रेजेंट है बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा। बच्चे यहां तक किसी को कुछ चीज समझ ना आई तो यहां तक पूछ लें। कुछ एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम या इसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जीआईटी ट्रैक की बोलते हैं। बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम का पर्पज क्या होता है, हर सिस्टम का कोई ना कोई फंक्शन है, कोई ना कोई पर्पज है। डाइजेस्टिव सिस्टम नेम रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसने क्या करना है, डाइजेशन करनी है। आप जितने भी एक्सटर्नली सोर्स से फूड लेते हैं, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स है, लिपिड्स, फैट्स, डिफरेंट विटामिंस हैं, आप जो भी फूड लेते हो उस फूड के बाद उसमें जो डाइजेशन होती है, मेटाबॉलिज्म होती है, और मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन होने के बाद कितनी फूड आपकी बॉडी के लिए एब्जॉर्ब करनी है, और कितना उसका प्रोडक्ट जो है वो वेस्ट बन के आपकी बॉडी से एक्सक्रीट होना है, ये सारा प्रोसीजर जो है इसको कौन कंट्रोल करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली क्या होता है कि एक लॉन्ग, जैसे आप पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हो एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर ये एक पिक्चर बनी हुई है। इस पिक्चर के अंदर आप देखो जहां पे लिखा, सबसे पहले माउथ होता है, माउथ के अंदर टंग है, देन उसके बाद फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद एसोफेगस है, एसोफेगस के बाद स्टमिक है, स्टमिक के बाद जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के इर्द गिर्द ये जो सारा आपको रैप स्ट्रक्चर नजर आ, इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं। बेसिकली आपका जो जीआईटी ट्रैक है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके अंदर कुछ मेन ऑर्गन्स होते हैं जो आपकी फूड की डाइजेशन करते हैं, और कुछ यहाँ पे एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। डायरेक्टली दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बट दे हेल्प।
वो कौन कौन से आपके एसेसरी ऑर्गन्स हैं, जैसे ही फूड आपके माउथ में एंटर होती है तो वहां पर क्या होते हैं, डिफरेंट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ग्लैंड्स क्या करते हैं, फूड की वहां पर ग्लैंड सिक्रीशन करते हैं, जब सिक्रीशन करेंगे तो फूड को लुब्रिकेट करते हैं, सॉफ्ट करते हैं, आपके माउथ के अंदर डिफरेंट सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और एक मजे की बात, अक्सर ऐसा होता है ना, जैसे घर में खाना बनाओ या आप जॉब से घर जा रहे हो या आप यूनिवर्सिटी से घर जाते हो, तो लेट घर में ऐसी चीज जो आपकी फेवरेट हो, सपोज बिरयानी मोस्टली सबकी फेवरेट होती है, तो घर में लेट सपोज बिरयानी है, तो जैसे आप घर में एंटर हो, तो एंटर होते क्या होता है कि वो सलाइवा प्रोड्यूस होता है। माइंड के अंदर ये क्वेश्चन आना चाहिए कि एक्चुअली इसकी फिजियोलॉजी क्या है, कैसे सलाइवा प्रोड्यूस होता है। होता इस तरह है कि जैसे ही स्मेल आती है आपकी फेवरेट डिश की, तो रिसेप्टर्स जो होते हैं, क्योंकि जब भी कोई भी स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस चाहे आपकी बॉडी से आ रहा है चाहे स्टिमुलस आपके आउटसाइड एनवायरनमेंट से आ रहा है, वो स्टिमुलस को परसीव करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं जो उसको डिटेक्ट करते हैं। तो आपका स्मेल जो है एक स्टिमुलस है, वो स्टिमुलस कौन डिटेक्ट करते हैं, रिसेप्टर्स, और रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, डेफिनेटली आपके नोज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वो उसको डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट करने के बाद वो मैसेज जाना होता है ब्रेन के पास। अब ब्रेन के पास जाना तो डेफिनेटली कोई चीज उसको लेके जाएगी ना, वो क्या कौन सी होती है, उसमें नर्व्स होती हैं। नर्व्स बेसिकली आपकी ब्रेन को आपकी बॉडी के साथ कनेक्ट करती हैं, तो वो आपकी नर्व्स जो है ब्रेन तक मैसेज लेके जाती हैं। अब ब्रेन ने जाहिर रिस्पॉन्स तो प्रोड्यूस करना है, अब वो अगेन नर्व्स के थ्रू रिस्पॉन्स भेजते हैं। आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर जो रिस्पॉन्स शो करने वाले स्ट्रक्चर्स हैं, ये जिन्हें हम इफेक्टर ऑर्गन्स बोलते हैं, वो कौन है, या तो वो मसल्स हैं या वो आपके ग्लैंड्स हैं। फर्ज करो आपने जो बड़े छोटे होते, हमने एक एग्जाम्पल पढ़ी बायो में, हमने पढ़ा हुआ है कि हम कैंडल के ऊपर हाथ रखते हैं, हाथ रखने के बाद हम फौरी हाथ को पीछे कर लेते हैं, वो क्या है, स्टिमुलस आया हीट का कि हाथ जल रहा है, वो ब्रेन के पास मैसेज किया, ब्रेन ने रिस्पॉन्स क्या दिया, मसल्स को मैसेज दिया, चलो जी अपना हाथ पीछे कर लो, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए और हैंड जो है आपका बैकवर्ड हो जाता है, विड्रॉ हो जाता है। इसी तरह आपका जैसे ही स्मेल आती है, स्मेल से ब्रेन के मैसेज किया, ब्रेन अगेन रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर, रिस्पॉन्स के दो ही रिस्पॉन्स करने वाले ऑर्गन है, एक या तो हमारे मसल्स है या फिर ग्लैंड, तो वो मैसेज जाता है ग्लैंड्स के पास, और ग्लैंड्स का पर्पज या फंक्शन क्या होता है, सिक्रीशन, और वो सिक्रीट करते हैं और स्लाइवा को प्रोड्यूस करते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड की। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी कि कैसे जो है वो स्लाइवा प्रोड्यूस होता है। तो ये पूरा एक ट्रैक शो हो रहा है जिसमें माउथ आएगा, माउथ का फेरिंग्स, फेरिंग्स आप लोगों को याद हो लास्ट लेक्चर में जब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, तो हमने कहा था कि बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, इन दोनों सिस्टम में फेरिंग्स एक कॉमन पाथवे है। जब आपकी एयर पास करती है वो कहाँ से पास करती है, नेसोफेरिंग से पास करती है, बिकॉज फेरिंग्स कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट, नंबर वन नेसोफेरिंग, नंबर टू ओरोफेरिंग एंड नंबर थ्री लेरिंजियोफेरिंग। एयर पासिस थ्रू द नेसोफेरिंग, फूड पासिस थ्रू द ओरोफेरिंग, आफ्टर दैट बोथ एयर एंड फूड पासिस थ्रू द कॉमन पार्ट ऑफ द फेरिंग, दैट इज लेरिंजियोफेरिंग। तो जब आप फूड भी लेते हो तो वो कहाँ से पास करेगी, ओरोफेरिंग से, और ओरोफेरिंग से पास करने के बाद जो कॉमन पार्ट था फेरिंग का, दैट इज लेरिंजियोफेरिंग, वहां से पास करेगी। अब फिर उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि फूड और एयर दोनों तो इकट्ठी हो गई हैं, अब इसके बाद एयर कैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो कंपोनेंट्स हैं उधर जाएगी और आपकी फूड जो है वो एसोफेगस में जाएगी। तो लास्ट टाइम हम ये डिस्कस कर चुके हैं, आपका जो लेरिंजियोफेरिंक्स है, लेरिंजियोफेरिंक्स के नीचे जो स्ट्रक्चर होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक का, दैट इज लेरिंक्स, जो एसोफेगस के आगे आपको ये सारे ये छोटे छोटे सेगमेंट्स बने हुए हैं, बेसिकली कार्टिलेज स्ट्रक्चर लेरिंक्स, और उसके नीचे ट्रेकिया को शो किया गया है। तो क्या होता है, जैसे इस पिक्चर में आप देख भी सकते हो, ये ऑरेंज कलर का लिड शो किया गया है। चलो इतने से हम देख लेते हैं। ओके, ये देखिए, तो आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि ये ऑरेंज कलर जहाँ पे फेरिंग्स लिखा है, फेरिंग्स के नीचे यहाँ पे ऑरेंज कलर का लिड नजर आ रहा है। फूड, जैसे ही फूड एसोफेगस में जाती है, तो ये जो आपके लेरिंग्स ऊपर लिड था जिसे हमने एपिग्लॉटिस बोला था, ये एपिग्लॉटिस जो है वो क्लोज हो जाता है और फूड जो है आपके लेरिंजियोफेरिंक्स से एसोफेगस में एंटर होती है। ओके, एसोफेगस से आपकी फूड, बेसिकली एसोफेगस पाइप है,
जो आपकी फूड को आपकी ओरल कैविटी और माउथ से स्टमक के अंदर लेके आता है। अब स्टमक जो है जेब शेप जो है ये ऑर्गन है और विजरा है। फिर यहाँ बेसिकली जो आपके प्रोटीन्स हैं जो आप दालों से लेते हो या इसके अलावा जो आप मटन बीफ गोश्त वगैरह ले रहे हो या एग लेते हो तो वहां से हमें प्रोटीन्स मिलती हैं। प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी फॉर अवर स्किन हेयर और नेल। तो प्रोटीन की बेसिकली जो डाइजेशन होती है वो स्टमक में होती है। फिर स्टमक से फूड पास करके जाती है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी फर्दर थ्री पार्ट्स होते हैं, नंबर वन इलियम, नंबर टू सिकम, नंबर थ्री जुजिनम। इलियम, सिकम एंड जुजिनम। स्मॉल इंटेस्टाइन के डिफरेंट पार्ट के पास फूड जाती है, वहां पर अपना जो जो उसका फंक्शन है प्रोसीजर वो होता है। आफ्टर डेट वो फूड पास करती है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वहां से गई वहां पर उसकी अगेन लार्ज इंटेस्टाइन में जाके देखना होता है कि अगेन एब्जॉर्प्शन किन किन जो मिनरल्स हैं ये स्ट्रक्चर्स हैं किन किन कंपोनेंट्स की अगेन जो है वो रीअब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन होगी, वो यहाँ पे फाइनल होती है। और फाइनल होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्रैक का वो क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है रेक्टम और रेक्टम के बाद एनस और इस तरह वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो बेसिकली जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव ट्रैक शो हो रहा है ये क्या एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है। दिस लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब इज कॉल्ड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जीआईटी और एलिमेंट्री कैनाल भी इसी को हम बोलते हैं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम भी हम इसी को बोलते हैं। इसमें ये मेन ऑर्गन्स है जैसे मैंने आपको बताया स्टमिक, पेंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बट इसके साथ कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स है जैसे लीवर है, गॉल ब्लैडर है, ग्लैंड्स हैं डिफरेंट, तो ये एक्सेसरी ऑर्गन्स में आते हैं। ओके तो आपका जीआईटी स्टार्ट कहाँ से होता है, जीआईटी स्टार्ट्स फ्रॉम योर माउथ और एंड होता है एनएस। एनएस इज द पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। देन इसकी बताएगी कंपोजिशन, इट्स कंसिस्ट ऑफ ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के बाद नेक्स्ट है फेरेंक्स। फेरेंक्स के बाद आप देखते हो ये जो ऑरेंज सारा येलो शो किया गया एसोफेगस है और एसोफेगस का ये जे शेप स्ट्रक्चर जो है स्टमिक है। स्टमिक के बाद ये अंदर जो इन साइड पे ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और स्मॉल इंटेस्टाइन के इर्द गिर्द ये जो सारा पाइप है इसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन के जो डिस्टल ये लास्ट पार्ट है वो है रेक्टम और रेक्टम के बाद लास्ट पे है एनल कैनाल और इस तरह फूड जो है या वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो एक्सक्रीट होता है फ्रॉम बॉडी। तो एक ओवरऑल मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया, समरी दिया कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी क्या है, ये कौन कौन से स्ट्रक्चर्स मिलके ये डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। देन है डाइजेस्टिव सिस्टम अगेन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन्स, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक। ये सीक्वेंस में दिया हुआ है, सबसे पहले ओरल कैविटी, देन फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम और रेक्टम से एनस और एनएस से एक्सक्रीट आउट हो जाता है वेस्ट प्रोडक्ट। बट इसके साथ कुछ एसेसरी ऑर्गन्स हैं वो लीवर है, गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियास। दीज आर दी एसेसरी ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ वन बाय वन वी डिस्कस ऑल दीज कंपोनेंट। फर्स्ट वी डिस्कस व्हाट इज ओरल कैविटी। ओरल कैविटी एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज वेरी नाइस एंड क्लियर पिक्चर ऑफ द ओरल कैविटी। Oral cavity is an basically irregular space that is bounded by muscles and bones. अगर आप oral cavity के above देखते हो तो nasal cavity है, nose, bone है और इर्द गिर्द सारे क्या muscles. तो oral cavity के ऊपर नीचे basically क्या है, या तो muscles है या फिर bones है। अगर oral cavity को देखते हैं इसमें further क्या structures हैं तो सबसे पहले इसमें lips आते हैं, lips के साथ cheeks हैं, gums होंगे, टंग है और पैलेट। पैलेट बेसिकली क्या होता है, जैसे आप माउथ को ओपन करते हो तो माउथ ओपन करने के बाद ऊपर आप जैसे थंब के साथ अपने माउथ के ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको जो टच करते हो, नीचे तो टंग पड़ी हुई है ना, टंग के ऊपर ये जो पोर्शन है माउथ को ओपन करोगे तो जो ऊपर हार्ड सारा बोन का स्ट्रक्चर फील होता है दैट इज पैलेट। सो माउथ कंटेन्स फॉलोइंग ग्लैंड्स, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, हाउ मेनी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन ओरल कैविटी। तो यहाँ पे बेसिकली जो है वो फोर ग्लैंड्स हैं, नंबर वन पैरोटिड ग्लैंड, नंबर टू सब मैंडिबुलर। बेसिकली ये जो आपकी बोन होती है ना
जिसे जॉ बोन बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मैंडिबल बोन। तो वहां पे जो ग्लैंड है उसमें बोलेंगे सब मैंडिबुलर, और सब लिंगुअल जो टंग के नीचे जो ग्लैंड होंगे उन्हें बोलेंगे सब लिंगुअल, और बक्कल जो चिक्स वाले साइड पे होंगे। तो इसके अलावा कुछ स्मॉल जो है वो बक्कल ग्लैंड भी होते हैं। सो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ ग्लैंड प्रेजेंट इन ओरल कैविटी। नंबर वन पैरोटिड ग्लैंड, नंबर टू सब मैंडिबुलर, नंबर थ्री सब लिंगुअल, एंड नंबर फोर स्मॉल बक्कल ग्लैंड। Already discussed the parts of pharynx. Pharynx consists of nasopharynx, oropharynx, and laryngeal. But in this picture shows hypopharynx. The other name of hypopharynx is laryngopharynx. Now discuss what is pharynx. Pharynx is 5 to 6 inches in length, a tube. Its cavity continues with the cavity of nose. The nasal cavity is pharynx continue होगी, तो nasopharynx हमने बोल दिया। तो इट्स मीन आपकी pharynx continue करती है nose के साथ भी, mouth के साथ भी और larynx के साथ भी। The pharynx is divided into three parts. Number one nasopharynx, number two oropharynx, and number three laryngopharynx or hypopharynx. The next part of the digestive system after the pharynx is esophagus. Esophagus is also a long tube. It's about 25 centimeter long and 2 centimeter in diameter. Basically, आपके जो esophagus है ये आपके larynx और trachea के behind होती है, और इसके पीछे क्या होता है आपका vertebral column। तो आपको पता है जो vertebra वो आपके पीछे है, तो आपके vertebra और front के जो larynx और trachea इसके दरमियान जो structure है between जो है that is esophagus. So it's a median plate in thorax in front of vertebral column and behind the trachea. And heart, it starts from the pharynx and end in stomach. So basically, अगर आपसे पूछा जाए esophagus कहाँ से start, तो जहाँ पे आपका heart पड़ा हुआ है वहां से ये start हो रही है, और end कहाँ करती है stomach पे जाके ये pipe जो है ये tube जो है ये finish हो जाती है. After the esophagus, the third इसका part start होगा main, that is stomach. जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हो, स्टमक बेसिकली क्या होता है, जे शेप मस्कुलर बैग होता है। डिफरेंट मसल्स मिलके आपका जो ये विद्रा बनाते हैं उसे हम बोलते हैं स्टमक। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ह्यूमन बॉडी के अंदर तीन तरह के मसल्स होते हैं, कार्डिक मसल्स, स्केलेटन मसल्स एंड स्मूथ मसल्स। कार्डिक मसल्स नेम रिप्रेजेंटेड, दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन हार्ट। Skeletal muscles name indicates these muscles are present in skeletal system of human body. Smooth muscles basically कहाँ present होते हैं, आपके respiratory system, digestive system. Basically जो smooth muscles हैं they are involuntary in action. Involuntary actions mean those actions which are not under control of the human being. वो functions जो आपके control में ना हो वो ऑटोमेटिकली हो उनको बोला, उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस। तो आपके जो स्मूथ मसल्स हैं या जो आपके कार्डिक मसल्स हैं, कार्डिक मसल्स आपके कंट्रोल में नहीं है, वो ऑटोमेटिकली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ब्लड को पुश करते हैं, आपकी बॉडी की तरफ मूव करते हैं। बट आपके जो स्केलेटन मसल्स होते हैं, स्केलेटन मसल्स आर वॉलंटरी मसल्स, बिकॉज आपको जब रिक्वायर्ड होता है, आपने जब फंक्शन करना होता है तो आपका ब्रेन, आप सोचते हो, ब्रेन फिर आगे उसको प्रोसीजर करता है, और प्रोसीजर करने के बाद आप वो एक्टिविटी करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से कप उठाना है, तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे ये चाय का कप जो है उठाना है, तो देन आफ्टर मेरे ब्रेन से कमांड आती है और फिर मेरे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फिर उस कप को उठाऊंगी। क्यों? क्योंकि ये वॉलंटरी एक्शन परफॉर्म करते हैं। सो इसी तरह जो आपके स्टमक के अंदर मसल्स होंगे, ये मैं एंड पे लेक्चर आपसे क्वेश्चन करूंगी कि कौन से मसल होंगे, कार्डिक, स्केलेटन और स्मूथ, आप लोग मुझे आंसर देंगे। सो स्टमक इज लाइक अ मस्कुलर बैग दैट कनेक्ट्स अबव द लोअर एंड ऑफ एसोफेगस। जैसे पिक्चर में आप देखो येलो कलर का एसोफेगस शो किया गया, एसोफेगस के बाद जे शेप जो स्ट्रक्चर है, मस्कुलर बैग है, दैट इज स्टमक। इट इज अ जे शेप ऑर्गन, इट इज 10 इंचेस इन लेंथ। नाउ इंटरेस्टिंग, स्टमक इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स व्हिच यू कैन सी इन दिस डायग्राम। सबसे पहले एसोफेगस, एसोफेगस के बाद जो स्टमक का पार्ट आता है उसे बोला जाता है कार्डिया, जो ग्रीन कलर का शो हो रहा है दैट इज कार्डिया।
यहाँ पे आप देख रहे हो एक नॉच बनी, एक एंगल बना। इसका बेसिकली पर्पस क्या होता है, जैसे ही फूड आपके माउथ से एसोफेगस में आई, एसोफेगस से स्टमक में गई, तो जैसे वो स्टमक में जाती है माइट बी इट्स पॉसिबल कि फूड दोबारा रिफ्लेक्स बैक करे। तो रिफ्लेक्स बैक ना करे वो अल्लाह पाक ने क्या किया, प्रॉपर एंगल्स बनाए। तो ये स्टमक बिल्कुल जो आपका एसोफेगस है वो बिल्कुल स्ट्रेट आपके स्टमक में टर्मिनेट नहीं कर रहा, वो एक एंगल बना रहा है, वो थोड़ा सा टिल्ट है और वो एक नॉच क्रिएट कर देता है, जिस नॉच को क्या बोलते हैं, कार्डियल नॉच। कार्डियल नॉच ये इसका पार्ट कार्डिया क्यों है, बिकॉज यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको कार्डिया, और यहाँ पे जो नॉच बनती है उसको बोलते हैं कार्डियल नॉच। आपको पता है जिन लोगों को एसिडिटी का इश्यू होता है ये गर्ड होता है गैस्ट्रो एसोफेगस रिफ्लेक्स डिजीज। उसमें बेसिकली क्या होता है, ये जो एसोफेगस थी, एसोफेगस अगेन मसल से मिलके बनी हुई होती है, तो इसका ये प्रॉपर एंगल है एसोफेगस का स्टमक के साथ, जैसे फूड एसोफेगस स्टमक में आती है ना तो रिवर्स बैक नहीं कर सकती। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, ये रात को खा के सो गए, ये जितनी भी फास्ट फूड होती है शॉर्मा बर्गर्स, तो वो क्या करती है, आपकी ये जो वॉल्स है ना उन वॉल्स पर डैमेज करने लग पड़ती है एसोफेगस के, वो मसल्स जो है वो वीक हो चुके हैं। तो क्या होता है कि जैसे ही आप फूड लेते हो ना, वो फूड का ये जो एंगल बना होता है ये प्रॉपर एंगल नहीं रहता, मसल वीक हो जाते हैं। और बस क्योंकि जब एक दफा फूड पास करके अगले पार्ट में आ जाती है ना, अगला पार्ट क्या पड़ा हुआ, स्टमिक पड़ा हुआ है, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फूड को आगे आगे भेजने लग सकते हैं। तो अब वो दोबारा मसल्स क्योंकि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, अब उसका काम ये है कि उसका फूड को रिवर्स नहीं होने देना। बट जब मसल वीक हो जाएंगे तो वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में नहीं होंगे, वो क्लोज्ड नहीं होंगे, जिसकी वजह से फूड जो है बड़ी इजली रिवर्स बैक करती है। इसलिए कहा जाता है कि खाना खाने के बाद थोड़ी सी वॉक की जाए या उसको थोड़ा जल्दी खाया जाए, ताकि वो आप उसके बाद एक्टिविटीज वगैरह करते हो वो मेटाबोलाइज हो जाए। या आप लोग खाना खाने के लिए स्पेशली जिनको गर्ड डिजीज है, गैस्ट्रो एसोफेगियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर एसिडिटी का इश्यू है, वो खाना खाने के बाद फौरी जो है वो लेटे नहीं, फौरी जो है नमाज नहीं पढ़े, थोड़ा सा वॉक करके कदम कुछ चल के फिर वो अपनी एक्टिविटीज करें, फौरी ड्राइव नहीं करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए। तो सबसे पहले इसका पार्ट था कार्डिया, कार्डिक से इसकी कार्डिक नॉच चाहिए, फिर उसके बाद स्टमिक की जो बॉडी है, ये जो आपको सारी पिंकिश ऑरेंज कलर की शेप है, ये पार्ट नजर आया, इसको बोलते हैं बॉडी। तो सबसे बॉडी का ऊपर जो पार्ट है इसको बोलते हैं फंडस, फंडस में ये सारी बॉडी है, और बॉडी के बाद इसका पार्ट आता है जिसको बोलते हैं पाइलोरिक पार्ट या पाइलोरस। पाइलोरस के अंदर फर्दर टू पार्ट है, जो बॉडी के साथ ये पर्पलिश कलर का पार्ट है इसको बोलते हैं पाइलोरिक एंट्रम, और उसके बाद जो इसका पार्ट है इसको बोलते हैं पाइलोरिक किनाल, और पाइलोरिक किनाल पर लास्ट जो इसका पाइलोरस होता है आगे ड्यूडेनम के साथ कंटिन्यू करता है। ड्यूडेनम किसका पार्ट होता है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, ड्यूडेनम इलियम एंड ड्यूडेनम। तो स्टमिक जो है ऊपर से एसोफेगस के साथ कनेक्ट होती है, और एंड पे जाके ये किसके साथ कनेक्ट होती है, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम इज द पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो स्टमिक के अंदर डिफरेंट पार्ट्स थे, कार्डिया, फंडस, बॉडी, पाइलोरिक एंट्रम, पाइलोरिक किनाल, एंड लास्ट इज ड्यूडेनम। देन है बेटा व्हाट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली क्या होती है, कहाँ से एक्सटेंड करती है, अभी मैंने आपको बताया स्टमिक से ये स्टार्ट होती है, और ये कहाँ पे टर्मिनेट करती है, जहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन पर लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट आता है। लार्ज इंटेस्टाइन के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, थोड़ा सा मैं लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स को बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा इस बात को समझ। जैसे इस पिक्चर में देखिए लार्ज इंटेस्टाइन को शो किया जा रहा है। अच्छा, सबसे पहले आप मोस्ट जो है वो लेफ्ट साइड को देखें, लेबल भी हुआ हुआ है, सबसे पहला पार्ट जो है लार्ज इंटेस्टाइन का वो है सिकम। सिकम के बाद जो ऊपर की तरफ असेंड कर रहा है इंटेस्टाइन का पार्ट, इसको बोलते हैं असेंडिंग क्लोन। असेंडिंग क्लोन के बाद फिर इसका पार्ट आपको ये जो ग्रीन कलर का नजर आ रहा है जो ट्रांसवर्स सेक्शन में है, इसको बोला जाता है ट्रांसवर्स क्लोन। ट्रांसवर्स क्लोन के बाद इसका पार्ट येलोइश नीचे की तरफ आएगा, इसको बोला जाता है डिसेंडिंग क्लोन। डिसेंडिंग क्लोन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन का जो पर्पलिश कलर के शो किया जा रहा है, दैट इज
सिग्माइड क्लोन, और सिग्माइड क्लोन के बाद जो है रेक्टम, और रेक्टम के बाद जो है एनस. सो लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ इकम, असेंडिंग क्लोन, ट्रांसवर्स क्लोन, डिसेंडिंग क्लोन, सिग्माइड क्लोन, रेक्टम एंड एनस. और मजे की बात ये है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है और एक है लार्ज इंटेस्टाइन, एक्चुअली जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ 6 मीटर समथिंग है, बट जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है वो 1.5 मीटर. अगर इसको हम कंपैरेटिवली देखें तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो लेंथ में है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन. तो फिर हम अगर उसकी लेंथ ज्यादा तो हम उसे क्यों स्मॉल बोल रहे हैं? एक्चुअली तो लेंथ ज्यादा उसकी रीजन ये होती है कि लेंथ तो ज्यादा है लेकिन एक तो वो कॉइल शेप में पड़ी हुई है. जैसे इस पिक्चर में आप देखिए, देखिए वो कॉइल्ड पड़ी हुई है, ठीक है. दूसरा जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है एक तो वो एक्सटेंडेड है, दूसरा उसकी विड्थ जो है वो ज्यादा होती है. तो इसलिए हम इस बेसिस पे जो है स्मॉल और लार्ज का वो ऑपोजिट हो जाता है. लेंथ वाइज अगर देखें तो स्मॉल की लेंथ ज्यादा होती है, लार्ज की कम होती है, बट स्मॉल आपकी कॉइल्ड फॉर्म में पड़ी होती है जबकि लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो एक्सटेंडेड फॉर्म में. फर्दर थ्री पार्ट्स होते हैं जो स्टमिक के साथ अबव कनेक्टेड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, दैट इज ड्यूडेनम. और ड्यूडेनम के बाद जो इसका मिडिल पार्ट होता है वो है जिजनम, और जिजनम के बाद जो इसका लास्ट पार्ट है वो है इलियम, और यही इसका जो लास्ट पार्ट है इलियम ये आगे लार्ज इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट होता है. और लार्ज इंटेस्टाइन के सबसे पहला ये जो पार्ट आपको नजर आया इसको हम क्या बोलते हैं? सिकम. तो बेसिकली ये जो इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है और उसके आगे जो लेफ्ट साइड पे ये जो पहला लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट स्टार्ट होता है इसको बोलते हैं सिकम. जैसे इस पिक्चर में भी देखें आप, ये सिकम शो हो रहा है और सिकम के साथ ये थोड़ा सा पार्ट शो हो रहा है ना, बेसिकली क्या है इलियम. तो इलियम जब सिकम के साथ मिलता है तो जंक्शन बनाता है, दैट जंक्शन इज कॉल्ड इलियोसिकल जंक्शन. ये जो छोटा सा zigzag थोड़ा सा पार्ट नजर आ रहा है ये बेसिकली क्या है? इलियम है, और सिकम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है. तो इलियम आगे जाके लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट सिकम के साथ कनेक्टेड होती है, जंक्शन बनाती है, दैट जंक्शन इज कॉल्ड इलियोसिकल जंक्शन. द स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सटेंड फ्रॉम स्टमिक और टर्मिनेट कहाँ करेगी? एट इलियोसिकल जंक्शन. इसकी लेंथ कितनी होती है? 6.9 जो है मीटर होती है इन मेल, और फीमेल के अंदर जो है 7.1 मीटर होती है. इसके फर्दर थ्री पार्ट्स हैं, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम एंड इलियम. ड्यूडेनम की लेंथ जो 2.5 मीटर है, ड्यूडेनम 2.5 और इलियम जो है 2 to 4 मीटर इन लेंथ होती है. अच्छा, नेक्स्ट इसमें विलाय होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. अब माइंड में क्वेश्चन आता है विलाय क्या है. बेसिकली जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं. इस पिक्चर में तो खैर शो नहीं हो रहा, ये जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या कहा जाता है? विलाय. बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है जो एब्जॉर्प्शन होनी ना फूड की, वो एब्जॉर्प्शन की जा सके, तो विलाय उस एब्जॉर्प्शन की हेल्प करते हैं. देन लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ से स्टार्ट होगी? स्मॉल इंटेस्टाइन से. स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट कौन सा था? इलियम. तो ये इलियम से स्टार्ट होगी और लार्ज इंटेस्टाइन का जो लार्ज इसका पार्ट है दैट इज एनस, और ये 1.5 मीटर लॉन्ग होती है. और इसके डिफरेंट पार्ट है जैसे मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, सबसे पहले सिकम, सिकम के बाद असेंडिंग क्लोन, देन ट्रांसवर्स, देन डिसेंडिंग, और लास्ट सिग्मॉइड. और सिग्मॉइड के बाद जो है बेसिकली सिकम है, और उसके बाद क्लोन इसका सेकंड पार्ट है. क्लोन के आगे फर्दर पार्ट्स है सेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग एंड सिग्मॉइड. और थर्ड इसका पार्ट है रेक्टम, एंड फोर्थ इसका पार्ट होता है एनल कैनाल. अब अगेन इस पिक्चर में समराइज किया जा रहा है कि कैसे फूड की जो है वो डाइजेशन होती है. सबसे पहले फूड आपकी एंटर होती है माउथ के अंदर, माउथ के अंदर फूड जो है वो ब्रेकअप होती है विद द हेल्प ऑफ टीथ, फूड पार्टिकल्स बनते हैं. फिर उसके बाद वहां पे डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, जो बेसिकली क्या करते हैं? उस फूड को मॉइस्ट बनाते हैं, लुब्रिकेट करते हैं. फिर उसके बाद फूड कहाँ से पास करती है? फेरिंग्स से. फेरिंग्स का पर्पस क्या है? वो फूड को स्वालो करता है, वहां से जो है वो गुजार के स्टमिक के अंदर एंटर करता है. ओके, फेरिंग्स उसको स्वालो करेगा और एसोफेगस इसको ट्रांसपोर्ट करता है फेरिंग्स से स्टमिक तक.
जब स्टमक में जाती है तो स्टमक में जो है सिर्फ प्रोटीन की यहाँ पे डाइजेशन होती है, यहाँ पे एसिडिटी के लिए HCL होता है और यहाँ पे अब्सॉर्प्शन सबसे कम होती है फूड की। उसके बाद फूड जो है आपके पास करती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के ये जो पर्पल कलर का स्ट्रक्चर है, इलियम, ड्यूडेनम, इलियम, ड्यूडेनम, जिजनम एंड इलियम, फिर इसके पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे इसका पर्पस क्या होता है, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होगी फूड की, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स जो है एब्जॉर्ब होता है, सबसे ज्यादा वाटर जो है आपकी बॉडी में वो यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है। आफ्टर दैट स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड जो है वो किसमें जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में तो मैक्सिमम अब्सॉर्प्शन होगी, लेकिन अगेन एक चांस होता है कि कुछ चीजें दोबारा कोई अब्सॉर्प्शन चीज रह तो नहीं गई, तो दोबारा जो रीअब्सॉर्ब करना है वाटर्स को, आइंस को, तो वो कौन अब्सॉर्ब करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। और एट द एंड जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो फीसिस की फॉर्म में लार्ज इंटेस्टाइन के एनस वाले पार्ट से एक्सीट आउट होता है। एनएस ये शो कर रहा है ओपनिंग फॉर द एलिमिनेशन ऑफ फीसिस। और रेक्टम में क्या होता है, बेसिकली फीसिस स्टोर होते हैं फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। देन कुछ ऐसे ऐसे ऑर्गन यहाँ पे शो है जैसे सलाइवरी ग्लैंड मॉइस्ट कर रहा है, लुब्रिकेट कर रहा है फूड को। लीवर क्या करते हैं, लीवर बेसिकली विटामिन्स को स्टोर करता है, आयरन को स्टोर करता है, जो आपका ओल्ड ब्लड सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है, बाइल जो है वो प्रोड्यूस करता है। देन गॉल ब्लैडर क्या करता है, पित्त जिसे बोला जाता है, ये आपके जो बाइल बन रहा था उस बाइल को स्टोर करता है। तो ये सारे विवरास जो है इन सबके फंक्शन को बड़े अच्छे पिक्चर के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लास्ट से कुछ टर्म्स रह गए थे वो हम देख लेते हैं। हमने कहा था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसमें हार्ट आता है, एओर्टा और आर्टरीज और आर्टरियोल्स, इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जबकि वेन्स और वेन्यूल्स के अंदर जो है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैपिलरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जहाँ पे आपका ऑक्सीजनेटेड एंटी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में एक्सचेंज करता है। देन हमने डिस्कस किया था हार्ट क्या होता है और हार्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए जो कवरिंग्स है वो कौन कौन सी हैं। हमने इसके कंपोनेंट्स में मजीद चीजें देखी थी, चैम्बर्स इस हार्ट के अंदर या इंटरनल जो हार्ट है उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो उसके अंदर हमने डिस्कस किया था राइट साइड पे राइट एट्रियम और नीचे राइट वेंट्रिकल है, और अबव लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल ऑन लेफ्ट साइड जो है वो चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। देन फोर वॉल्स होते हैं, डेफिनेटली ब्लड ने फ्लो करना है एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर, फिर दूसरे से आगे फॉरवर्ड उसने नेक्स्ट ब्लड को फॉरवर्ड करना है इनटू लंग्स, और लंग्स से दोबारा उस ब्लड ने जो है लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में आना है। तो वो एक ब्लड जो फ्लो करे बैकवर्ड ना जाए, रिवर्स ना जाए, हार्ट के अंदर क्या होता है डिफरेंट वॉल्स होते हैं जो हम लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। देन एओर्टा क्या था कि एओर्टा बेसिकली हमने कहा था जो हार्ट से ही आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये इस पिक्चर में भी आप देखें, ये जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जो लार्ज आर्टरी ओरिजिनेट कर रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जो लार्ज आर्टरी ओरिजिनेट करती है इसको बोला जाता है एओर्टा, और एओर्टा से आगे फर्दर तीन मेन ब्रांचेस निकलती हैं, जिसमें से एक ब्रांच जो है ऊपर आपके हेड एंड नेक के सारे पोर्शन को सप्लाई कर देती है, एक जो होती है वो आपके जो है वो लेफ्ट सॉरी लेफ्ट साइड पे जो अपर एक्सट्रीमिटी है वहां पे सप्लाई कर देगी, वो तीसरी जो ब्रांच होती है वो आपके थोरेसिक फिर एब्डोमन फिर वहीं से आगे लोअर लिम्फ को जाके सप्लाई करती है। उसकी डिटेल है आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन याद रखने की बात ये है कि एओर्टा एओर्टा से आगे जो उसकी ब्रांचेस छोटी छोटी निकलेंगी वो आर्टरीज, और उससे फर्दर जो स्मॉलर ब्रांचेस निकलती हैं उन्हें आर्टरियोल्स बोला जाता है। जैसे इस पिक्चर में देखेंगे एओर्टा था, एओर्टा से आगे ब्रांचेस जो निकली वो आर्टरीज, और आर्टरीज जो फर्दर स्मॉलर ब्रांचेस निकलेंगे उन्हें बोलेंगे आर्टरियोल्स। इसी तरह वेन्स और वेन्स से जो ब्रांचेस होंगी वेन्यूल्स, और इसी तरह कैपिलरीज वो ब्लड वेसल्स होती हैं जहाँ पे वेन्स और आर्टरियोल्स वेन्यूल्स या आर्टरियोल्स आपस में ब्लड को जो है वो एक्सचेंज करते हैं। एओर्टा क्या है, दी एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी। अगर कोई क्वेश्चन ये पूछा जाए कि लार्जेस्ट आर्टरी जो ह्यूमन बॉडी में कौन सी है तो वो कौन सी होगी, एओर्टा। दी एओर्टा इज द लार्जेस्ट इन द ह्यूमन बॉडी, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द हार्ट एंड एक्सटेंड ओवर द एक्सटेंडेड आउट टू द एब्डोमन वेयर इट डिवाइड्स इनटू स्मॉल आर्टरीज।
aorta carries oxygenated blood and gives this oxygenated blood to all parts of body. Already we discussed this thing. Then arteries kya hoti hain? Arteries again, these are the blood vessels which carry oxygenated blood away from the heart. ऐसे आप याद रखने arteries और ऐसे आप याद रखने away. तो आर्टरीज बेसिकली क्या करती हैं, आपके हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं टुवर्ड्स योर बॉडी. आर्टरियोल्स क्या है? आर्टरियोल्स आर द एनी ऑफ स्मॉल सब डिवीजन ऑफ एन आर्टरी. की आर्टरी की फर्दर जो सब डिवीजन है, ये स्मॉलर सब डिवीजन है, दैट इज कॉल्ड आर्टरियोल्स. एंड दे कनेक्ट आर्टरीज विद कैपिलरीज. कैपिलरीज क्या होती है? दीज आर डिफ्यूज नेटवर्क, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर. These are diffuse networks of blood vessels which connects the arterioles with the venules. Which connects the arterioles with venules. Then iske baad start hoga venule. Venule kya honge? These are blood vessels that connect capillaries with vein. Jaise bhi main picture mein aapko dikhaya upar. Aur veins kya hai? The veins carry deoxygenated blood towards the heart. कि आपके बॉडी में जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड यूज कर लिया. ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या था? कि आपके जो ऑक्सीजन कैरी करते हो, ऑक्सीजन को अपने एनवायरनमेंट से लेते हो, लंग्स के पास जाते हैं, लंग्स के बाद वो हार्ट के पास जाता है, तो ब्लड क्लियर हो जाता है. तो वो ब्लड जब आपकी पूरी बॉडी में जाता है, आपकी बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर्स क्या है, स्किन, मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, बोन्स, वो उसको यूज करते हैं. और यूज करने के बाद वो जो आपका ब्लड बच जाता है, उसके अंदर डेफिनेटली वो ऑक्सीजन की अमाउंट क्या होगी, रिड्यूस्ड हो जाती है. उस ब्लड को हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. वो दोबारा जब हार्ट के पास जाएगा, हार्ट से लंग्स के पास जाना, लंग्स में जाकर ऑक्सीजन को ऐड करना है, वो सारा ब्लड इन पाइप्स के थ्रू या ब्लड वेसल्स के थ्रू जाता है थ्रू वेन्स. तो यहाँ तक हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है रेस्पिरेटरी सिस्टम. जैसे भी हमने जिक्र किया, रेस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन को ऐड करना है ब्लड के अंदर और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कन्वर्ट करना होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर. रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन तो क्लियर हमें हो चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये वर्क कैसे करता है, ये कौन से कंपोनेंट्स मिलके जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं. जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर जो मेन कंपोनेंट थे हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स के अंदर आर्टरीज, आर्टरियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स और वेन्स इंक्लूड थी. इसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो आप बाहर एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को इनहेल करते हो, वो किन किन स्ट्रक्चर से पास करके आपके लंग्स के पास जाती है. आजकल आप कोविड का देख लो, तो कोविड में क्यों सबसे पहले वो वायरस जो है लंग्स को अफेक्ट करता है, उसके रीजन ये है कि उसको रिसेप्टर्स चाहिए. और रिसेप्टर्स जो है वो आपके लंग्स के अंदर, किडनी के अंदर और इसके अलावा डिफरेंट विसराज हैं जहाँ पे वो मेम्ब्रेन या रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. तो डेफिनेटली उसकी रूट ऑफ एंट्रेंस जो है वो नोज है. और नोज से जब वो एंटर होगी तो सबसे पहले हमें पता है नोज से रेस्पिरेटरी ट्रैक स्टार्ट होता है. तो वो इसीलिए सबसे पहले लंग्स के पास जाके लंग्स को अफेक्ट करता है. आफ्टर दैट वो डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ बॉडी को अफेक्ट करेगा. रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम डिवाइड करते हैं किसके कंपोनेंट्स को, किसके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है. अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक या ओवरऑल हम इसके कंपोनेंट देखते हैं. सबसे पहले जो ऑक्सीजन है वो पास करती है नोज से. नोज से पास करने के बाद यहाँ पे जो कैविटी स्टार्ट होती है उसको हम बोलते हैं नेजल कैविटी. नेजल कैविटी के बाद ऑक्सीजन पास करती है ये जो फनल शेप स्ट्रक्चर है, डेट इज कॉल्ड फेरिंग्स. फेरिंग्स से पास करेगी. फेरिंग्स से पास करने के बाद जैसे वो नेक में आती है तो स्ट्रक्चर को बोलते हैं लेरिंग्स. और लेरिंग्स के बाद फर्दर उसके नीचे जो पाइप है या एयर को पास करने के लिए स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं ट्रेकिया. ट्रेकिया से जैसे ही ऑक्सीजन पास करते हैं, ये ट्रेकिया एट द लेवल ऑफ C6, C5, C4 फर्दर ये डिवाइड हो जाता है इंटू ब्रोंकाई. इस पॉइंट को बोलते हैं क्रेनिया. जिस पॉइंट पे ट्रेकिया फर्दर डिवाइड हो जाता है वो आगे डिवाइड हो जाएगा राइट ब्रोंकाई एंड लेफ्ट ब्रोंकाई. और ब्रोंकाई से फर्दर जो यहाँ पे ब्रांचेस निकलती हैं, ये डिवीजन निकलती हैं, उनको बोला जाता है ब्रोंक्यूल्स. और ब्रोंक्यूल्स के बाद यहाँ पे जो लास्ट ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो है इस पिक्चर में बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे जो लास्ट इसका स्ट्रक्चर होता है उसको बोला जाता है एल्वियोलाई. तो बेसिकली एल्वियोलाई वो पॉइंट है जहाँ पे
ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है. सो एल्वियोलाई को हम बोलते हैं इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, बिकॉज ये वो पॉइंट है जहाँ पे आर्टरियोल्स और वेन्यूल्स का जो ब्लड है वो एक्सचेंज होके और ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर ऐड करता है. द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नोज, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स. From a clinical point of view, the respiratory system is divided into further two tracts, upper and lower respiratory tract. The upper respiratory tract is consists of nose, pharynx, which is a part of your throat. और इसमें एक चीज याद रखने वाली ये भी है जो यहाँ पे basically discuss नहीं हुई. Pharynx के भी further three parts होते हैं. नोज से जो इसका पार्ट आएगा उसको बोलते हैं नेसोफेरिंक्स, और फिर जैसे ये देखें माउथ से भी इसका पार्ट आ रही पर्पिश रेडिश सारा स्ट्रक्चर है ये फेरिंक्स का पार्ट ही है. और जो माउथ से इसका पार्ट आता है ये ओरल कैविटी से आता है इसको हम बोलते हैं ओरोफेरिंक्स, और फिर देन नेक के अंदर जो इसका पोर्शन आता है इसको हम बोलते हैं लेरिंजोफेरिंक्स. सो बेसिकली द फेरिंक्स कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, नंबर वन नेसोफेरिंक्स, नंबर टू ओरोफेरिंक्स एंड नंबर थ्री लेरिंजोफेरिंक्स. एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स का मीन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक डिफरेंट मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, ग्लैंड्स हैं, वो सारे स्ट्रक्चर्स जो आएंगे वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर इंक्लूड होंगे. देन है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक. द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक कंसिस्ट ऑफ लेरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई एंड लंग्स. बेसिकली लंग्स जैसे आप बैलून लेते हो, बैलून के अंदर कोई भी चीज फिल करते हो, वाटर से फिल करेगी और चीज के अंदर ग्लिटर्स डिफरेंट होते हो आप डाल रहे हो, तो इसी तरह आपके लंग्स होते हैं. लंग्स का मतलब पिंकिश कलर के बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर ये पूरा जो ब्रोंकोपल्मोनरी ट्री है वो प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई होते हैं. एल्वियोलाई इसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. So, respiratory system consists of the following organs: nose, pharynx, larynx, trachea, bronchi, and lungs. अब आप इस पिक्चर में भी अगर देखो ये आपका जो है वो राइट लंग है और ये जो है वो लेफ्ट लंग है. बेसिकली जो राइट लंग होता है वो लार्ज होता है और लेफ्ट जो होता है वो स्मॉल होता है. उसकी रीजन क्या है कि लेफ्ट साइड पे यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है. हमने जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम डिस्कस किया था तो हमने कहा था उसका 1/3 हार्ट का जो पोर्शन होता है वो राइट साइड पे होता है, जबकि 2/3 पोर्शन जो है वो लेफ्ट साइड पे होता है. ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली आपका हार्ट जो लेफ्ट साइड पे, अक्सर लोग कहते हैं हमें लेफ्ट साइड पे पेन हो रही है, दिस इज ओनली ड्यू टू हार्ट. ऐसा नहीं है, आपका 1/3 जो हार्ट का पोर्शन होता है वो राइट साइड पे होता है, बिकॉज यहाँ पे हार्ट मेन उस पर 2/3 पोर्शन प्रेजेंट है. इस वजह से ये लंग का साइज जो है लेफ्ट लंग का वो साइज स्मॉल होता है. इधर आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पे डिफरेंट एक ही लंग के अंदर डिफरेंट सेगमेंट्स बने हुए हैं, डिफरेंट पोर्शन बने हुए हैं. ये क्या है, बेसिकली अल्लाह पाक ने ये सिस्टम बनाया हुआ है कि लंग का हर पार्ट एफिशिएंटली वर्क करे, बिकॉज ऑक्सीजन ऊपर से आ रही है, ऊपर से आके इस ट्री से पास करके आपके लंग्स के अंदर एंटर होगी. तो इसमें लंग का हर पार्ट चाहिए, ऊपर वाला जो इसका नोकदार पार्ट है इसको हम बोलते हैं एपेक्स, और नीचे वाला ये जो ब्रॉड पार्ट है इसको हम बोलते हैं बेस. तो लंग का हर पार्ट एफिशिएंटली वर्क करे तो इसलिए अल्लाह पाक ने लंग को फर्दर डिफरेंट लोब्स के अंदर डिवाइड कर दिया है. जो सबसे ऊपर ये वाली आपको लोब नजर आ रही है LOBE, ये जो लोब नजर आ रही है इसको हम बोलेंगे अपर लोब. अपर लोब के बाद ये जो मिड में एक लोब होगी उसको हम बोलेंगे मिडल लोब, और ये जो नीचे लोब होगी उसे क्या बोलेंगे लोअर लोब. तो राइट लंग के अंदर दो लोब होती है, नंबर वन अपर जो होगी, जो अबव होगी उसे हम बोलेंगे अपर लोब. यहाँ पे लेबल भी हुआ है अपर लोब, अपर के बाद मिडल, क्योंकि ये दोनों लोब्स के दरमियान है, और मिडल लोब के बाद जो सबसे बिलो लोब होगी दैट इज कॉल्ड लोअर लोब. या आपके माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि लोब्स बनी कैसे, कैसे एक पूरा लंग जो है वो पार्ट्स के अंदर कट हो चुका है, ये डिवाइड हो चुका है, लोब्स बना रहा है, तो कैसे बनता है कि यहाँ पे बेसिकली फिशर्स होते हैं, FISSURE. आपके लंग्स के अंदर फिशर्स होते हैं और वो फिशर आपके लंग्स को लोब्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं. और रीजन क्या है, पर्पस क्या है कि लंग का हर पार्ट एफिशिएंटली वर्क करे
लंग का फंक्शन क्या है कि उसने ऑक्सीजन को एक्सचेंज करना, ऑक्सीजन जो आप एनवायरनमेंट से लेके आ रहे हो वो आपके ब्लड के अंदर ऐड करना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है कि कौन से फिशर्स हैं। आप ये जिस तरह देख रहे हो इस पिक्चर में, इस पिक्चर को, इस फिशर को हम बोलते हैं हॉरिजेंटल, क्योंकि इसकी शेप क्या है, हॉरिजेंटली है। हॉरिजेंटल के बाद नीचे ये जो आपको नजर आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, ओब्लीक फिशर। तो राइट लंग के अंदर दो फिशर्स होते हैं और दो फिशर राइट लंग को थ्री लोब्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एक फिशर जो है वो है हॉरिजेंटल फिशर और दूसरा फिशर जो है उसे हम बोलेंगे ओब्लीक फिशर, और राइट लंग के अंदर थ्री लोब्स आ जाएंगी, अपर, मिडल एंड लोअर। ऑन द अदर साइड वी ऑलरेडी डिस्कस द साइज ऑफ द लेफ्ट लंग इज स्मॉलर एज कम्पेयर टू राइट लंग बिकॉज हार्ट इज प्रेजेंट। अब देखिए आप इसको, इसमें आपको सिर्फ टू लोब्स नजर आ रही है क्योंकि एक तो ये लंग का साइज स्मॉल है तो इसमें लोब्स क्वांटिटी भी क्या होगी, डेफिनेटली रिड्यूस्ड होगी। इसमें फिशर भी एक ही होता है, यहाँ पे जस्ट एक फिशर जो है ओब्लीक प्रेजेंट होता है और वो लंग्स को डिवाइड कर देता है इनटू टू लोब्स, अपर एंड लोअर लोब। और अगेन इसका भी फंक्शन क्या होगा कि लंग का जो हर पार्ट है, चाहे वो उसकी अपेक्स है चाहे वो उसकी बेस है, बिकॉज जिन लोगों के ये पार्ट प्रॉपरली वर्क नहीं करते उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है उसके मिडिल पार्ट या लोअर पार्ट तक तो ईजिली जाती है लेकिन एपेक्स तक इतनी ऑक्सीजन नहीं जाती। तो ऑक्सीजन नहीं जाएगी वहां पे, उतने ही चांसेस ऑफ इन्फेक्शन जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। तो अल्लाह पाक ने यही सिस्टम बनाया कि लंग्स को लोब्स में डिवाइड किया और ताकि हर जो उसका पार्ट है वो प्रॉपरली फंक्शन को परफॉर्म करे। देन अब वन बाय वन हम इसके पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। आप इस बुक में तो बहुत ज्यादा डिटेल को नहीं डिस्कस किएगा, जस्ट थोड़ा सा बताएगी कि लेरिंग्स क्या है, वोकल कॉर्ड्स क्या है, ट्रेकिया क्या है और ब्रोंकाई क्या है। सिस्टम से ना रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे ही वायरस एंटर करेगा उसने लंग्स में जाना है और लंग्स के अंदर जहां पे जाकर उसने अटैक करना है, उसकी फेवरेट साइट वहां पे मौजूद है तो डेफिनेटली वहां जाकर अटैक करेगा। तो लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो उसकी मेम्ब्रेन्स बनाते हैं, कवर करते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। तो सबसे पहले वो वहां पर डैमेज करना शुरू करता है। 15 डेज जो होता है उसका वो पीरियड होता है कि जिसमें वो एंटर तो बॉडी के अंदर हो जाता है लंग्स के अंदर, बट वो अभी किसी साइन सिम्टम प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता। आफ्टर 15 डेज जो है जब उसका टाइम पीरियड कंप्लीट होता है तो वो साइन सिम्टम्स को शो करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो स्प्रेड करता है जहां जहां बॉडी के अंदर ये रिसेप्टर्स ACE2 प्रेजेंट है, किडनीज के अंदर, तभी तो कहते हैं किडनी फेल हो जाता है, ब्लड प्रेशर का इशू होता है। तो वो फिर वहां पर जाके जो है शॉक जो है कॉज करता है, शॉक की वजह से उस पर्सन की जो है वो डेथ होती है। तो हमने स्टार्ट किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने कहा था, हमने डिवाइड किया है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो बेसिकली रेस्पिरेशन में दो मेन फेसेस होते हैं, नंबर वन इंस्पायरेशन एंड नंबर टू एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का मीन क्या है, जो आप एयर को इनहेल करते हो दैट इज इंस्पायरेशन, और जब एयर को एक्सहेल करते हो दैट इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि एयर कैसे इनसाइड जाती है और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। ये डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। डिफ्यूजन का मीन ये होता है कि जहां पे एक चीज की एक्सेस होती है दूसरी तरफ उस चीज की डेफिशिएंसी होती है। अगर हम कंपेयर करें ऑक्सीजन को, कि ऑक्सीजन बॉडी में क्या ज्यादा प्रेजेंट है या एनवायरनमेंट में ज्यादा प्रेजेंट है, तो एनवायरनमेंट के अंदर डेफिनेटली ज्यादा होती है। तो आपके एनवायरनमेंट से वो ऑक्सीजन थ्रू डिफ्यूजन मोर क्वांटिटी से लेस क्वांटिटी की तरफ वो ट्रांसफर होने लग पड़ती है। इसी तरह अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, वो भी अगेन डिफ्यूजन के प्रोसीजर पर चल रही है। कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी आपकी बॉडी में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एनवायरनमेंट, तो अगेन यहाँ पर डिफ्यूजन का प्रोसीजर स्टार्ट होगा। ज्यादा से जो है वो कम के साइड पे जो गैस है वो मूव करती है। बट इसमें जो मेन आपका मसल है जो इन्वॉल्व होता है, बेसिकली मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो लंग्स को प्रेशर देते हैं और वो क्या करते हैं फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको एक्सहेल आउट करते हैं। तो यहाँ पे एक मेन मसल है दैट इज कॉल्ड डायफ्राम। डायफ्राम इज द मेन मसल ऑफ रेस्पिरेशन नंबर वन, एंड नंबर टू क्या करता है, ये सेपरेट करता है आपकी थोरेसिक कैविटी को फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी।
हम नेक्स्ट पिक्चर को डिस्कस कर रहे थे लंग्स के अंदर ये जो फर्दर सेगमेंट्स बने हुए थे, हमने कहा था जो राइट लंग है वो लार्ज होता है और जो लेफ्ट लंग है वो स्मॉलर होता है. राइट लंग के अंदर बेसिकली थ्री लोब्स होती हैं, 1, 2, 3, जबकि लेफ्ट लंग के अंदर टू लोब्स होती है, 1 और 2. अब ये बेसिकली एक पूरा जो लंग है वो कैसे सेगमेंट्स में ये लोब्स में डिवाइड होता है, इसमें क्या होते हैं, फिशर्स होते हैं. राइट लंग के अंदर दो फिशर आपको नजर आ रहे हैं जबकि लेफ्ट लंग के अंदर एक फिशर होता है. तो अगेन अब क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि इन फिशर्स का पर्पस क्या है. फिशर का बच्चे पर्पस ये होता है कि जो आपकी ऑक्सीजन आप इनहेल कर रहे हो वो लंग्स के हर पार्ट तक जो है वो कम्प्लीटली रिसीव हो, क्योंकि जब ऑक्सीजन एंटर करती है तो एपेक्स पे कम जाती है, जबकि उसके बाकी पार्ट्स पे फिर भी जा सकती है. तो वहां पे अगर एपेक्स तक नहीं जाएगी तो वहां पे इन्फेक्शन के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं. और हमेशा याद रखिए, अगर आपको फीवर हो रहा है तो फीवर का अंडरलाइन मैकेनिज्म मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन चल रहा है. इन्फेक्शन क्या होता है कि आपके बाहर से कोई भी एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया. आपको पता आपकी अपनी बॉडी की एक इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज बनती हैं. एंटीबॉडीज होती है, जैसे वो एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस होता है, ये एंटर होता है तो आपकी बॉडी के अंदर की जो एंटीबॉडीज होती है उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं और उस एंटीजन को, चाहे वो बैक्टीरिया है वायरस है, उसको किल कर देती है. इसलिए कोविड उन लोगों को अफेक्ट करता है जिनकी इम्यूनिटी कम होती है. इम्यूनिटी कम होने का मीन क्या है कि उनके अंदर जो कुव्वत मुदाफत के लिए अंदर एंटीबॉडीज हैं वो है ही इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है कि उस वायरस के अगेंस्ट फाइट कर सकें. तो इसलिए फिर वायरस स्ट्रोंग होता है और वायरस जाके वहां पे अटैक कर देता है. तो लंग्स के फर्दर राइट लंग्स में जो थ्री लोब्स हैं, अपर लोब, मिडल लोब एंड लोअर लोब, यहाँ पे ये जो लाइन आपको नजर आ रही है फिशर है, इसके अगर शेप को देखा जाए ये क्या हॉरिजॉन्टल, जबकि इसका जो दूसरा फिशर है ये दूसरी लाइन है ये क्या है ओब्लिक. इट्स मीन राइट लंग के अंदर थ्री लोब्स होते हैं और दो फिशर होते हैं, नंबर 1 हॉरिजॉन्टल फिशर एंड नंबर 2 ओब्लिक फिशर. और लोब्स कितनी होती है, थ्री होती है, अपर लोब, मिडल लोब एंड लोअर लोब. जबकि लेफ्ट लंग के अंदर आप देख रहे हो सिर्फ एक ही फिशर नजर आ रहा है, ये जो लाइन आपको नजर आ रही है उसकी शेप क्या ओब्लिक शेप है. तो इट्स मीन लेफ्ट लंग के अंदर सिर्फ एक फिशर है ओब्लिक और टू लोब्स होती हैं, अपर लोब एंड लोअर लोब. नेक्स्ट है कि ये फेरिंग्स क्या है, लेनेक्स क्या, आपकी बुक में बहुत ज्यादा डिटेल को डिस्कस नहीं किया गया. यहाँ से थोड़ी थोड़ी चीजें मैं आपको बता देती हूँ जो आपको रिक्वायर्ड है. आपका जो सबसे पहले एयर जहां से एंटर होती है उसे हम बोलते हैं, एक सेकंड, ओके. सबसे पहले एयर एंटर होती है नोज से. नोज में जैसे एयर एंटर होती है तो डेफिनेटली उसके साथ फॉरेन पार्टिकल्स हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं. तो उसको आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर होने से प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे क्या होते हैं, सीलिया हेयर्स होते हैं. वो हेयर्स क्या करते हैं, उन डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं और ट्रैप करने के बाद जो साफ एयर होती है, क्लीन एयर होती है, वो आपके फेरिंग्स से गुजरती है. फेरिंग्स के थ्री पार्ट्स हैं, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड नेरिंजोफेरिंग्स. लेकिन जो रेस्पिरेटरी ट्रैक बनाता है वो फेरिंग्स का कौन सा पार्ट है, नेसोफेरिंग्स. नेसो से एयर गुजरेगी और वो आगे एंटर होती है लेरिंजोफेरिंग्स में. इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि आपके ये वाला जो पार्ट है वो है ओरोफेरिंग्स. जब आप फूड लेते हो तो वो ओरोफेरिंग्स से गुजरती है, जबकि एयर जो है वो नेसोफेरिंग्स से गुजरती है. बट आफ्टर दैट ये दोनों, चाहे वो एयर है, ऑक्सीजन है, ये दूसरी साइड पे फूड है, ये दोनों कहाँ से गुजरते हैं, फेरिंग्स का जो थर्ड पार्ट है, और थर्ड पार्ट का नेम है लेरिंजियोफेरिंक्स. तो ये दोनों लेरिंजियोफेरिंक्स से गुजरते हैं. अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अच्छा फूड भी वहीं से गुजर रही है, ऑक्सीजन भी वहीं से गुजर रही है, तो फिर इसमें ये भी तो हो सकता है कि फूड जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो है वो एंटर हो जाए. तो इसके लिए क्या है, एक्चुअल में क्या होता है, आपको नेक्स्ट इसका पार्ट नजर आया लेरिंक्स. जैसे ही फूड एंटर करती लेरिंजियोफेरिंक्स में तो लेरिंक्स के ऊपर एक लिड होता है, ढक्कन होता है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एपिगुलाटिस. वो बेसिकली कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर होता है. जैसे ही फूड लेरिंक्स से फेरिंग्स से लेरिंक्स में आनी होती है तो वो क्या करते हैं, वो लेरिंक्स अपने आप को क्लोज कर लेते हैं और फूड जो होती है
वो फेरेक्स से डायरेक्टली जो होती है, लेरेक्स के पीछे एक पाइप पड़ा होता है जिसे बोला जाता है इसोफेगस, जो इसोफेगस डायरेक्टली नीचे जाके आपके स्टमक के साथ कनेक्टेड होती है। तो इस तरह फूड जो है आपके लरिंजियो फेरेंक्स से डायरेक्टली जाएगी इसोफेगस में, जबकि एयर जो है आपके लरिंजियो फेरेंक्स से एंटर होती है लेरेंक्स में। कैसे? क्योंकि जैसे ही फूड इसोफेगस में जानी होती है तो लेरेंक्स के ऊपर जो लिड है या जो कार्टिलेज है जिसे यहाँ पे ग्लटिस बोल रहा है वो क्लोज हो जाता है। और दूसरी चीज अक्सर क्या होता है कि अगर कोई भी बेहोश होता है, ठीक है, उसको कोई भी अनकॉन्शियस पेशेंट है या अक्सर घर में कोई बेहोश भी हो जाता है, तो सबसे पहले मिस्टेक क्या की जाती है कि अनकॉन्शियसली जो वो पर्सन है उसको पानी दिया जाता है, जबकि वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। उसकी रीज़न क्या होती है कि उस वक्त उस पेशेंट के या उस पर्सन के जो मसल्स हैं वो उसके वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं है। अब उसमें क्या होगा, उसमें आप जो उसको पानी दे रहे हो या कोई भी चीज़ माउथ से देते हो तो वो जाए इसके उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाए, उसके एसोफेगस स्टमिक में जाए, वो क्या करता है तो वो जो लेनेक्स आपका नॉर्मली क्या होता है वो लिड क्लोज होना होता है। अब उस वक्त पेशेंट क्योंकि अनकॉन्शियस है, फेड अप हो चुका है, उसको तो आइडिया ही नहीं है, उसमें क्या होगा उसकी वो जो आप फूड दे रहे हो या वाटर दे रहे हो वो उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक में जा सकता है, और जब रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाएगा तो वहां पर जाके इन्फेक्शन कर सकता है। इन्फेक्शन की वजह से जो निमोनिया होता है उसको हम बोलते हैं एस्पायरेशन निमोनिया, और एस्पायरेशन निमोनिया से उस पर्सन की जो है वो डेथ हो सकती है। तो इसलिए कभी भी अगर कोई भी पर्सन आपको बेहोश मिले, अनकॉन्शियस मिले, तो कभी भी उसके माउथ से कोई चीज उसको नहीं दें। नंबर दो, अक्सर आपने देखा होगा जब एक्सीडेंट्स होते हैं या रोड पे कोई भी आपको पर्सन मिलता है तो लोग क्या करते हैं, सबसे पहली चीज क्या करते हैं, उसके इर्द गिर्द क्राउड बनाते हैं। क्राउड ऑलरेडी वो पर्सन जो है अनकॉन्शियस है, वो ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर पा रहा, दूसरा लोग क्या करते हैं उसके इर्द गिर्द क्राउड बना रहे हैं। जब क्राउड बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो लोग भी ऑक्सीजन यूज करेंगे, उस पेशेंट के लिए उस पर्सन के लिए फर्दर ऑक्सीजन को इनहेल करना और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये अवॉइडेंस करने की इर्द गिर्द क्राउड ना बनाए, नंबर वन। नंबर टू प्रिकॉशनरी मेजर ये है कि कभी भी उस पर्सन को मूव नहीं करें। उदाहरण हादसा अगर वो बाइक से गिरा है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, वट एवर, तो बड़ा इजी चांस होता है कि उसका कोई भी बोन का फ्रैक्चर हुआ हो। अब हमें नहीं पता कि उस पर्सन की किस बोन का फ्रैक्चर है या उसकी बॉडी में क्या चल रहा है। लोग क्या करते हैं कि उसको हाथों से पकड़ा, पाँव से पकड़ा है, वो तो बेसिकली सेफ्टी के लिए कर रहे होते हैं ना, कि रोड पे पड़ा कि हो सकता है और चीज, उदाहरण हादसा ऊपर से ना गुजरे कुछ और ना, वो उठा के क्या करते हैं रोड के साइड पे लेके जाते हैं, जबकि ये नहीं करना। उसकी रीजन क्या होती है कि जब लोग हाथों और पाँव से उसको उठा रहे होते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो आपकी जो बैक पे रीढ़ की हड्डी है कि जिसे वर्टीब्रास बोला जाता है, वर्टीब्रास के अंदर क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड होता है। वो स्पाइनल कॉर्ड अगर उदाहरण हादसा वर्टीब्रा टूटा हो, रीढ़ की हड्डी टूटी हो, तो स्पाइनल कॉर्ड को पिंच करेगा। पिंच करने की वजह से अगर वो नेक के लेवल पर डैमेज करता है ना तो पूरी जो आपकी लोअर बॉडी है उसका क्या हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, मजबूर हो सकता है। लेकिन अगर वो लंबर लेवल का डैमेज है, उस लेवल पे स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करता है तो दोनों जो लोअर एक्सट्रीमिटी है उसको वो डैमेज कर सकता है या पैरालिसिस कर सकता है। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है, नंबर वन कि आप जो है कोई भी चीज माउथ से ना दे, नंबर टू उस पर्सन को मूव ना करें। वो फिर 112 आती है, उनके एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है जिससे उस पर्सन को मूव किया जाता है। ओके, नेक्स्ट बेटा थोड़ी सी इनकी डिटेल डिस्कस की है कि लेरिंग्स क्या है। फेरिंग्स को हमने डिस्कस कर लिया, फेरिंग्स के पास जो हमारे पास लेरिंग्स और ट्रेकिया, ये बेसिकली दोनों चीजें किससे मिलके बनी होती हैं, आपके कार्टिलेज से मिलके बनी हुई होती है। लेकिन कार्टिलेज यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं किया, इसलिए आपको उसके नेम की डिटेल करने की जरूरत नहीं है। लेरिंग्स आ जाएगा, लेरिंग्स का जो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इसका पार्ट होता है उसे ट्रेकिया बोलते हैं, और ट्रेकिया जब C5 के लेवल, वर्टिब्रा के लेवल पे पहुंचता है तो ये आगे जाके दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है, राइट एंड लेफ्ट। राइट साइड वाली जो ब्रांच होगी राइट ब्रोंकाई जिसे बोलेंगे वो राइट लंग के अंदर एंटर हो जाएगी, और लेफ्ट ब्रोंकाई जो होगा वो लेफ्ट लंग के अंदर एंटर हो जाता है। और ब्रोंकाई अगर जो फर्दर ब्रांचेस है तो उसे ब्रोंकियोज बोलते हैं, और ब्रोंकियोज के लास्ट पे जो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बोलते हैं एल्विओलाई, और एल्विओलाई वो पॉइंट है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको सर्कुलेशन सिस्टम समझाया था, पल्मोनरी सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो बेसिकली एल्विओलाई को वो आर्टरीज राउंड कर रही है, आर्टरीज और वेंस, और इस तरह एक्सचेंज ऑफ ब्लड हो रहा है, और ब्लड क्लियर होके हार्ट के पास और हार्ट से फिर एओर्टा के थ्रू आर्टरीज और आर्टरीज के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है।